Hello everyone, welcome to All Aboard. So today we will be doing golden rules of English. इसमें हम सारे rules करेंगे जो कि हमारे exam point of view से बहुत ज़्यादा important है. इसमें हम पूरी grammar का निचोड़ निकाल देंगे. So start करते हैं session. So yes, so देखिए first हमारे पास जो बहुत ज़्यादा आपका एक famous रूल है वो ये है कि अगर आपका नाउन प्रपोजिशन और नाउन इस तरीके से आ जाता है, यानी कि एक प्रपोजिशन से पहले नाउन है और वही सेम नाउन बाद में है, दोनों सेम नाउन होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आता है. ओके, और उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है. तो अगर आप यहाँ पे ये सेंटेंस देखेंगे तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? सो यहाँ पे आंसर होना चाहिए सिंगुलर आएंगे. ये देखिए, ये प्रपोजिशन है, ये आपका नाउन है, प्लूरल नाउन है, और ये भी आपका प्लूरल नाउन है, और ये आपका वर्ब है जो कि प्लूरल है. तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे? किंगडम आफ्टर किंगडम वाज कॉन्कर्ड बाय द माइटी अलेक्जेंडर. ठीक है, तो आपके जो दोनों नाउन होते हैं, अगर वो दोनों सेम है, सिमिलर है, तो उस केस में हम लोग वो जो नाउन होता है उसको हम सिंगुलर रखते हैं, और जो वर्ब आता है वो भी आपका सिंगुलर होता है. सो द आंसर विल बी किंगडम आफ्टर किंगडम was conquered by the mighty Alexander. Next rule देखते हैं. इस रूल पे आपके वैसे एक्चुअली काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं. नेक्स्ट है हमारे पास, ओके, वन ऑफ के बाद अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं. ओके, सो ये याद रखिए, सॉरी, प्लूरल नाउन यूज करते हैं, और आपका जो वर्ब होता है दैट इज ऑलवेज सिंगुलर. ठीक है, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल नाउन यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई फ्रेंड इज वर्किंग इन द यूनाइटेड नेशंस. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वन ऑफ के बाद हमेशा आपका जो नाउन होगा दैट शुड बी प्लूरल, इट शुड बी माई फ्रेंड्स, है ना, माई फ्रेंड्स होगा, और वर्ब जो होगा आपका सिंगुलर हो जाएगा. सो इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज वर्किंग विद द यूनाइटेड नेशंस. ओके, ये आपका वैसे वन ऑफ के साथ भी लगता है, ईच ऑफ के साथ भी सेम रूल फॉलो होता है. ओके, ईदर, नीदर, इन दोनों के साथ भी आपका अगर ऑफ लग जाता है तो इनके बाद प्लूरल नाउन यूज होता है और सिंगुलर वर्ब यूज होता है. ये वाला जो रूल है ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज इस पे बेस्ड, वन ऑफ पे बेस्ड आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल वी हैव इज, ओके, सो यू माइट हैव हर्ड, मेरी कजन ब्रदर, मेरा कजन सिस्टर, जो मेरी कजन सिस्टर जो होती है, ये सब आपके गलत वर्ड्स हैं. ओके, मेरा कजन ब्रदर, मेरी कजन सिस्टर, ये सब इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करते हैं. इंग्लिश में कजन इज कजन. ओके, सो वी डोंट यूज ब्रदर और सिस्टर आफ्टर इट, तो दैट विल बी काइंड ऑफ रॉन्ग. सो यहाँ पे अगर आप देखें, आई लव माई कजन ब्रदर्स द सेम वे आई लव माई ओन ब्रदर. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रदर्स इज रॉन्ग, सिंपली कजन यूज कीजिए. ओके, सो आप यहाँ पे देखिए, प्लूरल था इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल बना दिया है. आई लव माय कजन्स द सेम वे आई लव माय ओन ब्रदर. जनरली होता क्या है कि जो कजन होता है ये न्यूट्रल होता है, ये जेंडर को नहीं डिफाइन करता है. ओके, तो यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर दोनों इसमें आ जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि अगर आपका कोई भी न्यूमरल डिटरमिनर है, ओके, न्यूमरल डिटरमिनर कौन से होते हैं आपके, 1, 2, 3, 4, ओके, सेवरल है, मैनी है, ये जो होते हैं आपके डिटरमिनर्स होते हैं, तो इनमें से न्यूमरल आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा. ठीक है, अगर वो काउंटेबल नाउन के साथ लिखे गए हैं तो ऑब्वियसली काउंटेबल नाउन के साथ ही लिखे जाते हैं, नंबर्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं लिखे जाते हैं. इट इज यूज इन प्लूरल फॉर्म. ओके, सो ये जो आपका नाउन है इट हैज टू बी यूज इन प्लूरल फॉर्म अगर आपका कोई भी न्यूमरल डिटरमिनर है. अगर आपका वहाँ पे मैनी है, सेवरल है, उनके साथ भी हम हमेशा प्लूरल फॉर्म ही लिखते हैं. अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है और हम उनके साथ क्वांटिफाई यूज करते हैं. सो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, 1, 2, 3, कुछ भी आप लिख दीजिए, 100 मिलियन, ठीक है, मैनी, सेवरल, ये सारे जो होते हैं ये आपके काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, प्लूरल के साथ लगते हैं, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इनके साथ हम सिंगुलर क्वांटिफायर्स यूज, सॉरी, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, इनके साथ हम क्वांटिफायर्स यूज करते हैं, जैसे सम, ऑल, नो, मच, लिटिल. ठीक है, इसमें हम यहाँ पे हम फ्यू भी लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ पे देखिए, जो सम है, ऑल है,
नो है, ये दोनों के साथ आता है, काउंटेबल के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। प्लूरल फॉर्म आएगी आपकी काउंटेबल नाउन की, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। अ वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन होता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ है जो कॉमन है दोनों के लिए। अदरवाइज क्वांटिफायर्स में आपके मच और लिटिल आते हैं जनरली, और न्यूमरल में आपके 1, 2, 3, 4, मैनी, सेवरल, फ्यू, ये सब आते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए, द फूड प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी इज इनएडिक्वेट एट एज इट इज जस्ट 2.5 चपाती एंड सम दाल फॉर अ डे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए क्या, द फूड ठीक है प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी इज इनएडिक्वेट, यानी सफिशियंट नहीं है ये, क्योंकि सिर्फ 2.5। तो अगर देखिए एक से ज्यादा है, ओके, एक से ज्यादा है, तो अगर आपका एक से ज्यादा हो जाता है डिटरमिनर, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल लेगा अपने साथ, तो यहाँ पे चपाती नहीं आएगा, चपातीज आएगा, ठीक है। सो चपातीज जो होगा आपका, ये सही होगा। सम दाल फॉर अ टी, तो ये सही है। दाल आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यू कांट काउंट दाल, राइट। यू कैन काउंट कि हाउ मेनी कप्स ऑफ दाल और हाउ मेनी बॉल्स ऑफ दाल आते हैं, बट अगर आप देखें तो सम के साथ हम दाल लिख सकते हैं, सम चपातीस भी लिख सकते थे, ओके। तो अगर आपका सम आ जाता है, अगर आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखते हैं तो वहां पे आर आएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगा। और दाल के साथ भी हम लिख सकते हैं बिकॉज अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको पहले बताया था। तो यहाँ पे आपका दाल ठीक है, यहाँ पे चपातीस आना चाहिए था, बिकॉज जहाँ पे भी आपके नंबर आ जाते हैं, एक से ज्यादा नंबर जहाँ पे भी आएगा वहां पे हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है। जस्ट 2.5 चपातीस, ओके, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। सो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा टेंस में, रिवीजन है वैसे भी ये। डोंट यूज अ प्रेजेंट टेंस आफ्टर इट इज टाइम व्हेन इट व्हेन सब्जेक्ट इज डायरेक्टली फॉलोड बाय इट। सो अगर आप देखें, इट इज टाइम, इट इज सेम फॉर इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। अगर आप ये सारे के सारे फ्रेजेस देख लेते हैं, दोनों फ्रेजेस, इनके बाद अगर डायरेक्टली एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इट इज टाइम और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, तो कभी भी हम प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करते हैं। वी ऑलवेज यूज पास्ट टेंस, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस यूज होगा, वी टू यूज होगा। तो यहाँ पे शुड भी नहीं आएगा, एसएससी जनरली शुड के फॉर्म में ही क्वेश्चन देते हैं, ये एसएससी वाला क्वेश्चन देता है। आपको यहाँ पे शुड को हटा के सिंपल वी टू यूज करना है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाले को हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज टाइम यू वेंट होम आएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे वेंट यू है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका वी टू आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अगर सब्जेक्ट फॉलो हो, अगर यहाँ पे देखें तो इट इज टाइम फॉर अस टू इनवाइट, तो अगर यहाँ पे देखें तो इट इज टाइम के बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं है, प्रपोजिशन है। सो इस केस में ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, इसमें हम 2+V1 ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो सेकेंड वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। इट इज टाइम फॉर अस टू इनवाइट बेल एंड सोनिया, ये सही है, लेकिन इसमें इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर डायरेक्टली उसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देते हैं तब आपका वी टू आता है, ना कि शुड या फिर वीवन या कोई और टेंस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। सो यस, समटाइम्स वी कैन यूज प्रॉपर नाउन्स एज कॉमन नाउन्स, तो ये हमारे मेटाफोर्स में यूज किया जाता है। मेटाफोर्स जो होते हैं आपके, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक नाउन को उस अगर कोई प्रॉपर नाउन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हिटलर है, तो हिटलर इज नोन फॉर इज क्रुएल्टी, ओके, सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो अगर कोई भी क्रूअल पर्सन है, अगर हम उसको हिटलर बुलाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर। और वही आपका, जैसे अगर हमने बोल दिया कि माय साइंस टीचर इज हिटलर, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका जो प्रॉपर नाउन है हिटलर, उसको एज अ कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया, बिकॉज वहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको हिटलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो होता क्या है कि अगर आपका कॉमन नाउन की तरह यूज किया जा रहा है प्रॉपर नाउन, तो उसमें हम उससे पहले आर्टिकल लिखते हैं, ए या ए, ओके। लेकिन अगर वो नाउन ऑफ नाउन की फॉर्म में है, उससे पहले हम द लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, अविनाश जेना इज तेंदुलकर ऑफ अ कॉलोनी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अविनाश जेना इज दी तेंदुलकर ऑफ अ कॉलोनी। तो क्योंकि ये नाउन ऑफ नाउन वाला केस है, नाउन ऑफ नाउन वाला जो केस होता है आपका, वैसे भी कहीं पे भी अगर आप नाउन ऑफ नाउन वाला केस देखेंगे, यूजुअली हमारा द वाला केस आता ही आता है। और जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे शी इज हिटलर, ये आपका
रॉन्ग हो जाएगा, हिटलर नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे, शी इज अ हिटलर. ओके, बिकॉज यहाँ पे नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में नहीं आया है, यहाँ पे हमने सिंपल प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया किया है, तो यहाँ पे आपका ए या एन आएगा. सो यहाँ पे हिटलर का मतलब क्या है, शी इज वेरी क्रूअल, इसका मीनिंग ये आ रहा है. लेकिन हिटलर बहुत ज्यादा फेमस है अपनी क्रुएल्टी के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे हिटलर का यूज किया है ये शो करने के लिए कि शी इज वेरी क्रूअल. ओके, सो जहाँ पे भी आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं वहां पे ए और एन लिखते हैं. लेकिन अगर आप नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में लिख रहे हैं कुछ भी, तो उन केसेस में हमारा द लगता है, चाहे वो आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज कर रहे हैं या फिर आप जनरल भी बोल सकते हैं, जैसे द गोल्ड ऑफ इंडिया, राइट? सो इन दिस केस वी आर नॉट यूजिंग एनी मेटाफोर, लेकिन बोल सकते हैं द गोल्ड ऑफ इंडिया. व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग नाउन ऑफ नाउन, दिस इज नाउन, दिस इज नाउन एंड दिस इज ऑफ. तो हर केस में, नाउन ऑफ नाउन के केस में वी शुड यूज द. तो इन पे बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास अ मटेरियल नाउन इज व्यूड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड हैज नो प्लूरल फॉर्म. तो आपका जो मटेरियल नाउन होता है, ओके, सो ये मटेरियल नाउन कौन से होते हैं, जो कंक्रीट वाले नाउन होते हैं, बेसिकली जिसको आप छू सकते हैं, वो वाले जो नाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर मान के चलते हैं और उनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है. ओके, जैसे आयंस आर द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आयन क्या है, एक धातु है, मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन है, उसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं. जनरल केसेस में वी यूज देम इन सिंगुलर फॉर्म और उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आयन इज द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स. ठीक है, सो आयन जो है आपका, ना तो इसको प्लूरल लिखेंगे और इनके साथ हम आर्टिकल्स भी यूज नहीं करते हैं, डोंट यूज आर्टिकल्स, ओके, विद देम. सो ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि अपने साथ कभी आर्टिकल्स नहीं लेते हैं. ओके, तो ये हो चुका है. एंड आयन इज यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो एन नहीं आएगा यहाँ पे, सिंपली हम क्या लिखेंगे, आयन इज यूज इन ऑल टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस. ओके, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, सो सेम गोज विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं, ऐसा नाउन होता है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एज हो गया, हैप्पीनेस हो गया है, आपका लव हो गया है, हेट, ओके, हेट्रेड हो गया है, ये सारे के सारे क्या आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनको हम छू नहीं सकते हैं. तो ये भी हमेशा आपके सिंगुलर के सब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं और ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं. ओके, और सिंगुलर प्रोनाउन की तरह भी, मतलब प्रोनाउन भी लगेगा, जैसे इट या ये सब लगेंगे, दे नहीं लगेगा इनके साथ. जैसे एंगर्स एंड ग्रीड्स आर डिस्पीकेबल एलिमेंट इन अ पर्सन. डिस्पीकेबल का मतलब क्या होता है, जो घृणा के पात्र होते हैं, ओके, जो बहुत ही खराब होते हैं. तो यहाँ पे क्या है आपका, एंगर्स एंड ग्रीड्स गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगर क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ग्रीड भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऐसे नाउन जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते. ये हमें सिर्फ और सिर्फ समझ में आता है, फीलिंग समझ में आता है, राइट? यू कांट टच देम, है ना? सो दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे कांट बी मेड प्लूरल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों गलत हो जाएंगे आपके. तो सिंपली हम लिखेंगे, एंगर एंड ग्रीड आर डिस्पीकेबल एलिमेंट इन अ पर्सन. देखिए, आर इसलिए यूज किया क्योंकि एंड से दो चीजें जुड़ी गई हैं. अगर सिर्फ और सिर्फ एंगर होता तो हम इस यूज करते, अगर ग्रीड भी होता तो भी इस यूज करते. नेक्स्ट है, ओके, सो बेबीज हैं, अगर आप यहाँ पे इन्फेंट यूज कर लेते हैं, चाइल्ड यूज कर लेते हैं, या कोई भी लोअर एनिमल जैसे रैट है, ओके, और इनसेक्ट जैसे मक्खी है, मच्छर है, ओके, मॉस्किटो एंड फ्लाइज, इनको हमेशा न्यूट्रल जेंडर की तरह ही ट्रीट किया जाता है. तो और जब इनको जनरल्स में, मतलब बोला जाता है, जनरल केस में यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द बेबी क्राइज वेन ही इज हंग्री. सो वी डोंट नो कि, देखिए, जब अभी तक हमने इसके बारे में पता नहीं, हम जनरल केस में बोल रहे हैं कि कोई भी बच्चा जब रोता है तभी रोता है जब वो भूखा होता है. तो ये जनरल केस है, यहाँ पे वेन ही नहीं आएगा, इट इज हंग्री आएगा. तो बेबी है यहाँ पे, इन्फेंट होता है, चाइल्ड होता, या फिर आपका कोई भी रैट या कुछ भी होता, तब हम इट ही यूज करते. ओके, न्यूट्रल जेंडर के साथ वी यूज इट. ओके, ही शी वगैरह हम यूज नहीं करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं, ऑल नॉन लिविंग थिंग्स टेक न्यूट्रल जेंडर. ओके, सो जनरली आपको पता है नॉन लिविंग थिंग है, जैसे पेन है, फैन है, कुछ भी है, तो हम उनके साथ न्यूट्रल जेंडर यूज करते हैं, यानी कि उनके साथ हम इट ही लिखते हैं. ओके, प्लूरल फॉर्म है तो दे लिख देंगे. दे आपका जेंडर्स के लिए भी आता है, और न्यूट्रल मतलब फीमेल और मेल दोनों जेंडर्स के लिए भी आता है और न्यूट्रल जेंडर के लिए भी आता है. परसोनिफिकेशन जो होता है आपका, इसका मतलब मानवीकरण. अगर आप किसी चीज को मानवीकरण कर देते हैं तो उसमें हम उनको जेंडर असाइन करते हैं. जनरली जो शिप होती है, शिप, उनके लिए हम शी यूज करते हैं, हर यूज करते हैं. ओके, ये याद रखिएगा, बिकॉज शिप को एज अ फीमेल
माना जाता है, तो उसका पर्सोनिफिकेशन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी से मदर अर्थ, मदर इंडिया. सो इन दिस केस इंडिया एंड अर्थ आर नॉन लिविंग थिंग्स, ओके, बट स्टिल वी आर पर्सोनिफाइंग देम. तो इन दैट केस वी कैन यूज सिंग फेमिनाइन, ओके, जो आपके फेमिनाइन जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो हम यूज कर सकते हैं. तो इनको फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक दे दी गई है. सो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, द डॉल इज वेरी डियर टू हर, शी टेक्स हर वेर एवर इट गोज. तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो नॉन लिविंग थिंग है, राइट. तो यहाँ पे शी नहीं, देखिए तो यहाँ पे हर नहीं आएगा, राइट. हर कौन है, ये एक लड़की है, उसको बहुत प्यारी है डॉल, और वो लड़की हमेशा उसको अपने साथ जहां जाती है वहां लेके जाती है. तो यहाँ पे डॉल के लिए हम इट लिखेंगे, राइट. शी टेक्स इट वेर एवर शी गोज, जहां पे भी जाती है उसको अपने साथ लेके जाती है. दूसरा अगर आप देखें यहाँ पे, डेट हैज इट्स यूनिक वे ऑफ मीटिंग पीपल. तो अगर आप देखें तो डेथ हमसे मिलती नहीं है. तो अगर आप देखें यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, राइट. वी आर पर्सोनिफाइंग इट. इन दिस केस वी कैन असाइन देम जेंडर्स. तो अगर आप देखेंगे जितने भी क्रूएल या फिर थोड़े से एग्रेसिव या फिर वायलेंट आपको अगर करेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, तो वहां पे हम मैस्कुलाइन जेंडर असाइन कर देते हैं. जैसे सन है, सन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, सॉरी, मैस्कुलाइन जेंडर यूज करेंगे, ही यूज करेंगे सन के लिए. डेथ के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे. तो डेथ हैज His unique way of meeting people, okay? जैसे मून है तो बहुत ही क्या है, शालीन, एकदम ठंडा वो होता है उसका करेक्टरिस्टिक, राइट. सो इन दैट केस हम मून को शी बोलेंगे, हर बोलेंगे. हिंदी में होता है चंदा मामा, और इंग्लिश में हम उसको बोलेंगे चंदा मामी, ओके. नेक्स्ट वी हैव इज, ओके. सो देखिए कुछ नाउन्स होते हैं, अगर वो यूनिक के तौर पर, ठीक है, यूनिट के तौर पर अगर वो आते हैं, जैसे देखिए डजन है, 100 है, मिलियन है, पेयर है, स्कोर है, 1000 है, ठीक है, ये यूनिट्स हैं हमारे. तो अगर ये किसी नाउन से पहले लिखे जाते हैं तो हम इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, ओके. सो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ. सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही गेव मी 10 रुपीज. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो रुपीज है यहाँ पे, ये यूनिट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, नंबर है, ठीक है. तो ये सही है, लेकिन अगर तो यहाँ पे क्या 10 है तो रुपीज ही आएगा, राइट. लेकिन अगर यहाँ पे एक नाउन आ जाता है तो ये जो यूनिट है आपका, ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा, इट इज ऑलवेज सिंगुलर. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, ओके. ए भी आएगा नोट के लिए, और यहाँ पे रुपीज नहीं आएगा, यहाँ पे रुपी आएगा. इस चीज का थोड़ा ध्यान में रखिएगा, SSC में ये क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं. तो आप क्या लिखेंगे, ही गेव मी, यहाँ पे गलत है, इट शुड बी ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाउन आ गया है. तो जो ये यूनिट होता है नाउन से पहले हमेशा सिंगुलर होता है, ओके. और ए जो आया आपका नोट के लिए आया है. अगर यहाँ पे होता 2 10 रुपए के नोट थे तो आप क्या लिखते हैं, 2 10 रुपीज, सॉरी, रुपी नोट्स. देखिए ये तो सिंगुलर ही आएगा. और जब जब आप यहाँ पे नोट लिखेंगे, जब जब आप इसके बाद नाउन लिखेंगे, इट विल बी सिंगुलर, ठीक है, ये आपका सिंगुलर आएगा. और यहाँ पे आपका 10 बिल्कुल सही है, और ये 2 आया, ये आपका नोट्स के लिए आया है, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट है हमारे पास, नाउन डिनोटिंग यूनिट ऑफ काउंटिंग कैन टेक प्लूरल फॉर्म इन एब्सेंस ऑफ डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, ओके. सो यहाँ पे देखिए क्या है, 100 ऑफ पीपल वर स्ट्रैंडेड इन द मेली. मेली का मतलब क्या है, कंफ्यूज्ड, जो आपकी क्वारल होती है, ओके, उसको हम मेली बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए इससे पहले ना कुछ भी आपका नंबर नहीं है, 1 2 3 4 कुछ नहीं है. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्लूरल बना सकते हैं. यहाँ पे क्या था, आप यहाँ पे 10 रुपीज लिख ले, या फिर आप यहाँ पे कुछ भी लिख ले, सी 200 रुपीज, राइट. सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो होगा ये वैसे भी हमेशा आपका सिंगुलर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो 2 है ये आपका नंबर है, ये सिंगुलर रहेगा, और ये आपका क्या है, प्लूरल हो जाएगा. लेकिन अगर एक और नाउन यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आप नोट लिख देते हैं, तो 200 रुपी नोट्स नोट हो जाएगा आपका, ये भी सिंगुलर हो जाएगा, ये तो सिंगुलर रहेगा क्योंकि इससे पहले नंबर लिखा हुआ है आपने, 1 2 3 4, राइट. तो अगर इनसे पहले कुछ भी नंबर लिखेंगे तो भी ये सिंगुलर रहेंगे. अगर इनसे पहले कुछ नंबर नहीं है,
राइट, इनसे पहले कुछ नंबर नहीं है, यू कैन मेक देम प्लूरल, और उसके बाद ऑफ लगता है. जैसे आप क्या लिखेंगे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल लिखेंगे, बट ऐसे नहीं लिख सकते टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल, दैट विल बी रॉन्ग. ये गलत हो जाएगा. ठीक है, या तो लिखिए सिंपल 200 पीपल, या फिर लिखिए हंड्रेड्स ऑफ पीपल. दोनों आप अपनी मर्जी से कैसे भी लिख सकते हैं. 200 पीपल मींस एग्जैक्ट 200 लोग हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मींस वी डोंट नो, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके 100 वाले हिस्से में आते हैं, यानी कि 100 से लेकर आपके इतने में, क्योंकि इसके बाद 1000 शुरू हो जाएगा, तो इतने के बीच में वो एग्जिस्ट करते हैं. तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, इन दैट केस वी कैन यूज देम इन प्लुरल फॉर्म एंड देन वी कैन यूज ऑफ. बट अगर इससे पहले डेफिनेट नंबर है, सो वी कांट से ऑफ एंड वी कांट ऑल्सो मेक देम प्लुरल, दैट विल ऑल्सो बी राइट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नेक्स्ट देखते हैं, अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट एडेड टू नाउन्स एंडिंग इन हिसिंग साउंड टू डिनोट पोजेसिव केस, ओनली एन अपोस्ट्रोफी इज सफिशियंट. ओके, तो अगर कोई भी नाउन अगर हिसिंग साउंड से एंड होता है, हिसिंग मतलब जिसके पीछे स की साउंड आती है, एस डबल एस ई एस एस एच, इन सब के बाद अब ये कैसी साउंड आती है, जैसे सांप की साउंड होती है हिसिंग साउंड. इन दोज केसेस अगर आपको पजेसिव केस शो करना है, वी डोंट यूज अपोस्ट्रोफी एस राइट. सो फॉर एग्जाम्पल अ बॉयज बुक, तो देखिए बॉय जो है आपका, अगर इसका पोजेसिव केस यूज करना है, शो करना है, तो आप अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे, है ना. लेकिन अगर आप लिखेंगे बॉयज, ये क्या है, हिसिंग साउंड आ रहा है, हिसिंग साउंड आ रहा है, स वाला साउंड आ रहा है, तो उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, कुछ भी यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, एस नहीं यूज करेंगे, सिंपल लिखेंगे बॉयज बुक. इसका मतलब क्या, ये प्लूरल वाला केस है. चाहे वो प्लूरल हो, चाहे कोई भी हो, जिसमें भी हिसिंग साउंड आती है, वी डोंट यूज एनी अपोस्ट्रोफी एस राइट. वी सिंपली यूज अपोस्ट्रोफी, नो एस. अगर यहाँ पे कोई नाम है सिंगुलर, जैसे जीसस है, जीसस क्राइस्ट, ओके, सो तो फॉर जीसस सेक, तो जीसस सेक अगर आपको लिखना है, वैसे भी सेक जहाँ पे भी देखेंगे हमेशा ये पजेसिव केस ही लेता है अपने साथ, तो जहाँ पे भी आप जीसस देखेंगे वहां पे आपको अपोस्ट्रोफी यूज करना होगा. आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज कर सकते हैं, ओके. आई थिंक ये मेरे पीछे लिखा गया है, जस्ट छोड़ लो. तो अगर आप देख रहे हैं जीसस सेक, सेक के साथ वी ऑलवेज यूज पजेसिव केस, ओके. सेक एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हमेशा पजेसिव केस यूज किया जाता है, तो जीसस सेक आएगा, एक और एस नहीं लगेगा, ये चीज याद रखिएगा. जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे, राकेशस अंकल, नो. तो यहाँ पे क्या, श की आवाज आ रही है, हिसिंग साउंड आ रही है, तो वी विल सिंपली यूज अपोस्ट्रॉफी नॉट एस, ओके. इनफॉर्मल लैंग्वेज में ये ऐसे इस तरीके से यूज किया जाता है, लेकिन फॉर्मल लैंग्वेज में वी ट्राई टू ओमिट दिस एस, ओके. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास है यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस इज नॉट एडेड टू प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, ओके. सो यस, ये अभी आपको बताया कि अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, वही एंडिंग इन एस. देखिए प्लूरल नाउन हर एक केस में नहीं होगा, पता है, क्योंकि देखिए जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन में आपका ये प्लूरल नाउन है, बट वी हैव टू यूज अपोस्ट्रोफी एस बिकॉज द मेजर यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो रोल प्ले कर रहा है वो हिसिंग साउंड ही प्ले कर रहा है. तो कई बार क्या होता है, बस लोग सोच लेते हैं कि प्लूरल नाउन में कभी भी हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लिखते. नहीं, कोई भी वर्ड हो जो अगर हिसिंग साउंड से एंड हो रहा है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, वी डोंट यूज एस, ओके. तो यहाँ पे क्या आएगा, द किंग ऑफ मॉरिशियस, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस को हटा देंगे सिंपल, राइट, एस को हटा देंगे, वो आपका सही हो जाएगा. लेकिन चिल्ड्रन है, ऑक्सन है, ये सारे आपके प्लूरल है, लेकिन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगेगा अगर यू यू वॉन्ट टू मेक इट पजेसिव केस. नेक्स्ट है पर्सनल पोजेसिव केस प्रोनाउंस अ फॉर्म विदाउट एन अपोस्ट्रोफी साइन, यस. तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है इट्स योर्स चॉइस, तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है कि ये आपका अपोस्ट्रोफी एस नहीं लेगा, राइट, अपोस्ट्रोफी साइन भी नहीं लेगा और एस भी नहीं लेगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज योर चॉइस, क्योंकि ये पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन है. ये कौन से होते हैं, माय, तो ठीक है, माय, योर, His, her, our, it's there. Okay? ये आपके possessive pronouns होते हैं, और ये adjective की तरह काम करते हैं. इनके साथ noun लिखना बहुत जरूरी है, इनसे पहले फिर आप कोई apostrophe वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है. लेकिन अगर आपका आ जाता है ours, mine, yours,
theirs, his as it is, hers, its का कोई केस होता नहीं है, तो इनके बाद वी नेवर यूज एनी नाउन, नो नाउन. ओके, जैसे देखिए एग्जाम्पल, इट इज योर चॉइस, है ना, योर आएगा क्योंकि इसके बाद आपको नाउन लिखना है, पजेसिव केस है. लेकिन इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, द चॉइस इज योर्स, योर्स जो है आपका ये वाला है, तो इनके बाद कभी भी नाउन नहीं लगेगा. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो देखिए, नेक्स्ट वी हैव इज इनडेफिनेट पजेसिव प्रोनाउंस अ फॉर्म बाय एडिंग अपोस्ट्रॉफी एस. तो इनडेफिनेट पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं एक्चुअली. ओके, सो इनडेफिनेट होते हैं आपके एवरीवन, नो वन, everybody, somebody, right, someone. तो इनके साथ बड़ी लगाए, वन लगाए, ठीक है, ये सारे सारे आपके इनडेफिनेट है और वन भी. तो इन सब के साथ वी यूज प्रॉपर पोजेसिव केस, और इनके साथ हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा के इनका पोजेसिव केस बना देते हैं. जैसे इन अ हॉस्टल वन हैज टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इन अ हॉस्टल तो ठीक है, वन सब्जेक्ट हैज टू टेक केयर ऑफ वन सेल्फ, खुद की हेल्थ, खुद की मतलब वन, ये हो जाएगा. ओके, so same goes with everybody's, no one's, someone's. okay, next we have is if two or more nouns are in apposition then only the last noun takes the possessive sign. okay, मैं आपको दिखा देती हूँ. जैसे ये लिखा है, मन्नत इज शाहरुख खान द एक्टर्स हाउस. एपोजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो क्या है आपका शाहरुख जो है, जो शाहरुख है यहाँ पे क्या है, ये नाउन है. ये क्या है, ये इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ओके, ये जो वर्ड है एक्टर जो है वो इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये जो वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे, अपोजिट केस बोलते हैं या फिर नाउन इन अपोजिशन बोल देते हैं. तो होता क्या है, जब भी आपको यहाँ पे पजेसिव केस शो करना होता है, अगर आपका अपोजिट केस यहाँ पे है, तो वी डोंट यूज द अपोस्ट्रोफी एस विद द नाउन, वी यूज द अपोस्ट्रोफी विद द अपोजिट केस, राइट. तो एक्टर्स के साथ आएगा, शाहरुख खान के साथ नहीं आएगा. नेक्स्ट वी हैव इज अगर आपका जॉइंट पोजेशन है. ओके, जॉइंट पोजेशन यानी कॉमन पोजेशन है, यानी कि दो आपके जैसे नाउन है, उन दोनों की, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी ऑल एंजॉयड लॉट्स एट पिंकीज एंड श्रीमंत्स रिसेप्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉट्स के जगह हम आर्सेल्स लिख देंगे, वो बेटर रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एट पिंकीज एंड श्रीमंत्स रिसेप्शन. अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो किसकी रिसेप्शन थी, दोनों की रिसेप्शन थी, राइट. सो दिस इज अ जॉइंट पोजेशन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो होता क्या है कि जब भी आपके ऐसे जॉइंट पोजेशन होता है, उसमें हम जो लास्ट वाला, जो बाद वाला जो नाउन होता है, उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं, पहले वाले के साथ नहीं लगाते हैं. सो आंसर विल बी वी एंजॉयड आवरसेल्व्स एट पिंकी एंड श्रीमंत्स रिसेप्शन. वी कांट यूज अपोस्ट्रोफी विद पिंकी, दैट विल बी रॉन्ग. इस पे आपके बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं. नेक्स्ट देखते हैं, इफ टू अ मोर नाउन्स डिनोट सेपरेशन पोजेशन देन पोजेसिव साइन इज यूज इंडिपेंडेंटली विद द डिफरेंट नाउन्स. यानी कि अगर देखिए यहाँ पे था आपका जॉइंट पोजेशन, लेकिन अगर सेपरेट पोजेशन है, उस केस में हम दोनों के साथ यूज करेंगे. जैसे द क्राउड चीयर्ड टू सचिन एंड सहवाग्स बाउंड्री. सो बाउंड्रीज देखिए, सचिन अलग से मारेगा चौका और सहवाग अलग से चौका छक्का मारेगा, राइट. सो अगर आप देखें यहाँ पे, सो जो बाउंड्रीज है दोनों की डिफरेंट है, दोनों एक ही बाउंड्री तो नहीं हिट करेंगे. सो दैट्स व्हाई दिस इज योर सेपरेट पोजेशन. इन दैट केस वी हैव टू यूज अपोस्ट्रोफी विद ऑल द नाउन, चाहे वो दो हो चाहे दस हो, कितने भी नाउन है, सभी के साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे. नेक्स्ट वी हैव इज पोजेसिव केसेस यूजुअली लिमिटेड टू लिविंग थिंग्स. ये आपको पता ही है, जनरली आपका नॉन लिविंग थिंग्स के साथ जनरल केसेस में वी डोंट यूज अपोस्ट्रोफी एस, राइट. मतलब पोजेसिव केस जो होता है आपका, अपोस्ट्रोफी एस वाला जो केस होता है, वो जनरली आपका लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए वी यूज ऑफ, लेकिन जनरल केस में. ठीक है, दिस शोज द पोजेसिव केस. ऑफ कैन बी यूज फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ, और अपोस्ट्रोफी इज जनरली यूज टू शो लिविंग. अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे द पेन्स कैप इज नॉट फिटिंग, सो दिस इज रॉन्ग. इट शुड बी द कैप ऑफ द पेन, राइट, इज नॉट फिटिंग. वेरी इजी. नेक्स्ट वी हैव इज, अच्छा, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, देखिए ये तो जनरल केस था, लेकिन अगर यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो जाए, जैसे हमने शिप वाला केस किया, शिप को हमने शी और हर बोला था, वहां पे अगर आपका मानवीकरण हो जाता है, या फिर सेलेस्टियल बॉडीज जो होती है उनके साथ, वी कैन यूज अपोस्ट्रोफी एस. सेलेस्टियल बॉडी जैसे सन है, मून है, मार है, मार्स है, अर्थ है, ये सारे के सारे क्या है आपके, सेलेस्टियल बॉडीज है, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं. पजेसिव केस का मतलब है यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस. ओके, ऑफ तो सबके साथ ही यूज होगा, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी और एस दोनों यूज कर सकते हैं.
एज पर द रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल द सन सर्फेस, राइट. तो सन का सर्फेस जो है ये क्या है, हमने अपोस्ट्रॉफी लिखा है, वैसे तो नॉन लिविंग थिंग है लेकिन सेलेस्टियल बॉडी है, हेवनली बॉडी है. इंडियाज प्राइड, सो पर्सोनिफिकेशन हो रहा है इंडिया का, सो दैट्स व्हाई वी विल यूज इंडियाज प्राइड, राइट. प्राइड ऑफ इंडिया भी सही है, ऑफ तो सभी के साथ सही है. नेक्स्ट देखते हैं, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो जो आपका पॉजेसिव केस है यानी कि अपोस्ट्रॉफी एस है इज यूज विद नॉन डिनोटिंग स्पेस टाइम वेट एंड ऑल्सो ईडियम. ओके, तो ये ईडियम के साथ भी आपका लग जाता है और वेट के साथ, स्पेस के साथ, टाइम के साथ भी लग जाता है. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड स्टेज अ स्टोन ऑफ अ थ्रो ऑफ स्टोन अवे फ्रॉम माई हाउस. तो अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है. एक्चुअली क्या है कि ये ईडियम नहीं है, ईडियम क्या है आपका स्टोन थ्रो. इसका मतलब क्या होता है, वेरी वियर्ड. सो इफ समबडी स्टेज stones throw away from your house, it means he stay that that person stays very near to your house, right? So stones throw होगा, ये idiom वैसे भी exist नहीं करता. तो idioms में जहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे at wit's end, at arm's length, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या apostrophe लग जाएगा, क्योंकि idioms में ही है, idiom के साथ ज़्यादातर हम छेड़खानी नहीं करते हैं. बाकी दिखा देती हूँ मैं आपको, जैसे today's work है, तो ये आपका क्या है, time है, okay? आपका टन्स वेट है, ये क्या है, वेट वाला आपका एक यूनिट है, तो इनके साथ भी हम अपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की. जो प्रोनाउन होता है एक्चुअल नंबर जेंडर पर्सन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल राम्स फ्रेंड्स हैव अराइव एंड ही वेंट टू मीट राम इमिजिएटली. ओके, तो राम के फ्रेंड्स आए हैं और कौन मिलने गए हैं राम से, वही लोग मिलने गए हैं, फ्रेंड्स ही मिलने गए हैं ना. सो इफ यू सी हियर, तो ये आपका प्रोनाउन गलत है, दे वेंट आएगा, यहाँ पे ही नहीं आएगा, बिकॉज वी नीड प्लूरल नाउन है, तो वी नीड अ प्लूरल प्रोनाउन, राइट. तो जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन. नेक्स्ट वी हैव इज द प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके, सो यस, ये प्रोनाउन है आपका, वर्ब है, दोनों इसी के अकॉर्डिंग आते हैं. जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब और प्रोनाउन लिखते हैं. जैसे द बेवी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स मेड अ स्पेक्टेक्युलर साइट व्हेन दे गैदर्ड फॉर द ब्यूटी कॉन्टेस्ट. बेवी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, राइट. ग्रुप ऑफ गर्ल्स को हम कलेक्टिव नाउन को हम क्या बोल देते हैं, बेवी बोल देते हैं. तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो देखिए बेवी ऑफ गर्ल्स मेड, दिस इज वे टू, कोई बात नहीं. लेकिन अगर यहाँ पे हमें वर्ब यूज करना होता तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब, राइट. सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे. ओके, हैज मेड लिखेंगे, हैव नहीं आएगा क्योंकि बेबी इज द सब्जेक्ट हियर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है. व्हेन दे गैदर्ड फॉर, बेबी इज द सब्जेक्ट, राइट. सो गर्ल्स इज नॉट द सब्जेक्ट, बेबी इज द सब्जेक्ट. गर्ल्स, तो देखिए प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन हो गया है. तो एक्चुअली बेबी है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे दे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इट, राइट. जब वो इकट्ठे हो गए, राइट. सो यहाँ पे इट आएगा, उसके अकॉर्डिंग लिखना होगा. नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोनाउन मस्ट बी सिंगुलर इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइन टू रेफर द सेम पर्सन. ओके, सो आपको दिखा देती हूँ. जैसे देखिए माई मेंटर एंड ब्रदर हैज देयर यूनिक अप्रोच टूवर्ड्स एवरी प्रॉब्लम. तो यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है, मेंटर एंड ब्रदर, ये दोनों कौन है, सिंगुलर पर्सन है, ये एक ही पर्सन है. कैसे पता चला, एक तो एक ही डिटरमिनर लिखा हुआ है, माई एक ही बार लिखा हुआ है. अगर यहाँ पे लिखते हैं माई मेंटर एंड माई ब्रदर, तो वो दो अलग अलग पर्सन हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे एक ही बार आपका डिटरमिनर यूज हुआ है, पोजेसिव केस एक ही बार यूज हुआ है, ऊपर से यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका ये क्या हो गया है, यहाँ पे आपका ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा, राइट. ब्रदर है तो हिज आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोनाउन मस्ट बी प्लूरल इफ टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड टू रेफर सेपरेट पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपका जो प्रोनाउन है वो प्लूरल होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि दो अलग अलग नाउन है, तो वो कैसे पता चलता है, अभी मैंने आपको बोला था कि माय एक ही बार लिखा है तो इसलिए वो एक ही नाउन है. लेकिन अगर दोनों के साथ माय लिखा होता तो वो प्लूरल हो जाता. सेम गोज विद आर्टिकल्स. आर्टिकल्स अगर दो नाउन लिखे हैं और दो आर्टिकल्स लिखे हैं, दिस इज प्लूरल. अगर यहाँ पे होता द पोएट एंड सिंगर, एक ही आर्टिकल लिखा होता, दो नाउन जुड़े होते, वो सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता. तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपका, द पोएट एंड द सिंगर इज इल एंड कैन नॉट कम टू द शो टुनाइट. तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा. ठीक है, तो ये जो है आपका आर आएगा, प्रोनाउन भी और आपका वर्ब भी. तो यहाँ पे वर्ब वाली मिस्टेक है, प्रोनाउन वाला भी आप लिख सकते हैं एंड दे कैन नॉट कम, राइट. तो ये भी सही है, यहाँ पे अगर आपको प्रोनाउन लिखना ही होता तो हम दे लिखते,
ही नहीं लिखते, क्योंकि अगर आपके अगर नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल प्लस नाउन वन एंड आर्टिकल प्लस नाउन टू, तो ये आपका प्लूरल बन जाता है, इनके साथ प्लूरल वर्ब लगता है और प्लूरल ही प्रोनाउन लगेगा। अगर आपका एक ही आर्टिकल है और नाउन वन है एंड नाउन टू है, इस केस में आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा एंड सिंगुलर ही प्रोनाउन लगेगा। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर इफ टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड एंड आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी। ओके, सो देखिए, ईच और एवरी के साथ आप कोई भी नाउन लिखिए, ठीक है, वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आता है। जैसे ये रहा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव टू स्विच देयर मोबाइल ऑफ बिफोर एंटरिंग द हॉल। सो देखिए, ईच बॉय है, ईच गर्ल है, यहाँ पे हैज आएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते ईच एंड एवरी, सिंगुलर ही सब्जेक्ट आता एंड सिंगुलर ही वर्ब आता, वर्ब तो हमेशा ही सिंगुलर होगा। अगर आप ईच ऑफ लिखते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया था, तो यहाँ पे आपका आएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट, बट वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। हमेशा याद रखिएगा, चाहे ईच एवरी के साथ, चाहे कितने भी आपने नाउन प्रोनाउन लिखे हैं, हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। ओके, तो यहाँ पे हैज आएगा एंड यहाँ पे देयर लिखा है, बिकॉज वी गॉट ईच बॉय एंड गर्ल, सो वी कांट से कि हिज आएगा कि हर आएगा, दैट विल बी रॉन्ग, राइट? सो इधर राइट हिज ऑब्लिक हर, ये भी सही है, या फिर देयर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, द वर्ब एंड प्रोनाउन मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट इफ टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड बाय सिंपल और से है, इधर और से है, नीदर नॉर से है, नॉट ओनली बट ऑल्सो से है, और या नॉर से है। ओके, तो यहाँ पे बाय आएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ ये नीदर नॉर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे देखिए, नीदर मनीष नॉर हिज फ्रेंड्स वैल्यू हिज टाइम, तो प्रोनाउन एंड वर्ब दोनों आपके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे इन सब केसेस में। देखिए, नीदर मनीष, ठीक है, नॉर हिज फ्रेंड्स वैल्यूड, वैल्यूड तो वी टू है, कोई इशू नहीं, ये सिंगुलर प्लूरल सबके साथ आता है, लेकिन यहाँ पे गलत है। ये प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग आएगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगा, देयर आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे आपको वर्ब लिखना होता, तो जैसे यहाँ पे लिखना है, हमें लिखना होता हैज, तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, राइट? हैव वैल्यू, क्योंकि ये जो वर्ब है ये नियरेस्ट आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। नेक्स्ट है हमारा 1 2 3 एंड 2 3 1 रूल। तो होता क्या है आपका, जनरली हम जब भी प्रोनाउन लिखते हैं, तो अगर हमारे पास प्रोनाउन, आपको पता ही है, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, तो जनरली क्या करते हैं हम, जो आपका जनरल केस होता है उसमें हम 2 3 1 वाला केस यूज करते हैं, 2 3 1, राइट? 2 3 1 वाला रूल यूज करते हैं जनरल केस में, कोई भी जनरल सेंटेंस, जैसे आई यू एंड समीर इज टू बी अवॉर्डेड फॉर आर प्रोजेक्ट, जनरल केस है। लेकिन अगर आपको अपॉलॉजी है, रिग्रेट है, सॉरी है, या फिर प्लूरल प्रोनाउंस है, उसमें हम 1 2 3 रूल यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ये तो जनरल है, यहाँ पे कोई अपॉलॉजी नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई प्लूरल वाला केस भी नहीं है। प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, वी है, यू तो एज इट इज है, एंड दे है। इन सच केसेस वी यूज 1 2 3 रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू समीर एंड आई। ओके, एंड ये जो प्रोनाउन है ये गलत, सॉरी वर्ब है, ये भी गलत है, क्योंकि ये आपके प्लूरल हो गए हैं, तो आ रहा है, एम भी नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे होता है आपका वी यू एंड दे, आर टू बी अवॉइडेड, ठीक है, यहाँ पे आर होता है आपका, तो ये वाला केस होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्लूरल वाले केस है। अगर वी, अगर ये होता आई यू एंड ही आर सॉरी फॉर आर एक्शन, वो भी सही होता, क्योंकि वो सॉरी वाला केस है, तो 1 2 3 है आपका, सॉरी में, अपॉलोजी में, रिग्रेट में। नेक्स्ट वी हैव इज, अच्छा, जॉइंट प्रोनाउन। तो अगर आपको देखिए, इफ वन प्रोनाउन हैज टू डिनोट डिफरेंट पर्सन, ओके, सो उस केस में हम क्या करते हैं आपका, अगर देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को आपने ज्वाइन कर दिया, वहां पे आपको प्रोनाउन यूज करना है उन सबके लिए, तो क्या होता है, जहां पे भी अगर आप फर्स्ट पर्सन को देखते हैं, वहां पे फर्स्ट पर्सन वाला आएगा, अवर आएगा, चाहे वहां पे सेकंड है, चाहे थर्ड है, चाहे एक ही है, चाहे फर्स्ट एंड सेकंड है, चाहे फर्स्ट एंड थर्ड है, चाहे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों है, हम हमेशा अवर यूज करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट नहीं है, सेकंड और थर्ड में से अगर कोई है, तो आप सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग प्रोनाउन देंगे, ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, आई यू एंड तबिश हैव योर ओन टास्क टू माइंड। सो देखिए, I, you and Tabish. तो first of all इसको क्या करेंगे? You, Tabish and I. 2 3 1 करेंगे first of all.
राइट ये करेंगे। दूसरा आपका क्या करेंगे, यहाँ पे हैव तो सही है, योर नहीं आएगा, अवर आएगा। प्रनाउन जो होगा आपका वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा जब भी आपका वन टू थ्री है, जहां पे भी वन है वहां पे फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा, जहां पे वन नहीं है फिर वो सेकंड के अकॉर्डिंग आएगा, अगर सेकंड और थर्ड दोनों इन्वॉल्व है। अगर अकेला थर्ड है तो फिर थर्ड ही आएगा, जैसे ही एंड यू हैव टू हैव योर ओन टास्क टू माइंड, तो लिख तो यही है, बस यहाँ से आई हट गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यू एंड ही हैव तो आएगा और योर आएगा, राइट यू के अकॉर्डिंग ही आएगा। बट यहाँ पे आपका पोजिशन जो है वो गलत है, इट शुड बी यू एंड ही, राइट ये गलत है यहाँ पे, यू एंड ही हैव योर ओन टास्क टू माइंड, ओके सो योर आएगा इनके अकॉर्डिंग क्योंकि सेकेंड पर्सन आया है। अगर थर्ड पर्सन है ही एंड शी तो देयर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई प्रोनाउन इज यूज एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब और प्रपोजिशन इट मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर कोई प्रोनाउन एज अ देखिए अगर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है या प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है तो हमेशा हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई वी यू ही शी इट दे, ये है आपके सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं आपके, मी अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। सो ये वाले केसेस लगेंगे जब भी आपके वर्ब के बाद अगर आप कोई प्रोनाउन लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो, या फिर प्रपोजिशन के बाद, जैसे आई सॉ हिम ड्राइविंग द कार तो हिम आएगा, ही नहीं आएगा, दैट विल बी रॉन्ग, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव इज बिटवीन यू एंड आई, देयर इज नो एनमिटी। सो बिटवीन के आपके पास प्रपोजिशन है, इसके बाद आपका आई नहीं आएगा, मी आएगा, ठीक है। यू तो आपका सेम ही है दोनों में, ओके सो आई होप यू गॉट टू नो द रूल हियर। नेक्स्ट वी हैव इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मस्ट बी यूज्ड विद वर्ब्स सच एज अवेल, एंजॉय, रिकनसाइल, रिजाइन एटसेट्रा इफ नो ऑब्जेक्ट इज गिवन ऑफ द नाउन। सो देखिए जैसे अवेल लिख दिया आपने, एंजॉय लिख दिया, रिकनसाइल लिख दिया, रिजाइन लिख दिया, इन सब के बाद अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है उस केस में व्हाट वी डू, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, सेल्फ वाले होते हैं सिंगुलर के साथ, सेल्फ वाले होते हैं प्लूरल के साथ, जैसे माय सेल्फ, योर सेल्फ और योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ओके। तो ये सारे आपके यूज होंगे, जैसे ही वॉन्ट्स टू अवेल ऑफ अ चांस टू गेट ग्लोबल एक्सपोजर, तो अगर आप देखेंगे तो अवेल के बाद आपका हिमसेल्फ ऑफ अ चांस आएगा, और याद रखिएगा अवेल के बाद हमेशा ऑफ आता है, फिक्स प्रपोजिशन होगा, हिमसेल्फ आएगा। फॉर एग्जाम्पल वी एंजॉयड अलॉट इन द पार्टी, अगर आपने ये लिखा तो यहाँ पे क्या देखिए, ये तो आ गया सब्जेक्ट, ये एंजॉयड आपका आ गया वर्ब, राइट। सो अलॉट जो है आपका डिटर्मिनर है, इन द पार्टी जो है आपका यहाँ पे, आई एम सॉरी, अलॉट आपका एडवर्ब है और यहाँ पे इन द पार्टी जो है आपका प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रपोजिशन वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट हियर, तो एंजॉय के साथ वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट, इन दैट केस वी विल यूज आवरसेल्फ्स, ओके। अगर यहाँ पे लिखा होता वी एंजॉयड द पार्टी वो सही हो जाता, व्हाई, दैट इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे एंजॉय के बाद वी नीड, वी हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो आई होप आपका ये क्लियर हो गया है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले रूल पे। सो नेक्स्ट रूल इज, देखिए अभी हमने ये डिस्कस किया था कि जैसे अवेल है, इंजॉय है, रिकनसाइल है, रिजाइन है, इनके बाद अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तो उसके साथ हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, राइट। अब कुछ एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद वी नेवर यूज एनी रिफ्लेक्सिव, ओके, इनके बाद कभी यूज नहीं करेंगे। जनरली हमारे एग्जाम में हाइड आता है, बाद आता है, मतलब बेद आता है, राइट, स्टॉप, कीप, ये सब जनरली आते हैं। तो जैसे देखिए, द Soldiers fed themselves on bark, branches, bark, and roots during the war. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो feed के साथ themselves नहीं आएगा, okay? So this is answer here. Next we have is when two things have been mentioned in a sentence. This referred to the thing last mentioned and that to the thing first mentioned. मैं आपको समझा दूँ क्या होता है। देखिए जब भी कोई दो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, a bulb and a fire. आर बेयर नेसेसिटीज इन अ रूम, ओके, बेयर एसेंस मतलब एसेंशियल, दिस गिव्स यू लाइट एंड दैट गिव्स यू कूल ब्रीज। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो दिस होता है ना वो लास्ट वाले के लिए यूज करता है, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो लास्ट वाला ये है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। तो यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, दैट।
फर्स्ट वाले के लिए यूज करेंगे दैट, और दिस यूज करेंगे पैन के लिए यहाँ पे. सो ये बहुत ही एक अच्छा आपका कॉन्सेप्ट है. ओके तो इस पर काफी साल हो गए, आई थिंक अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट मे बी आगे आ जाए. नेक्स्ट वी हैव इज ओके सो वन मस्ट बी, अच्छा द इनडेफिनिट प्रोनाउन वन मस्ट बी यूज थ्रू आउट इफ यूज वंस. ओके सो अगर प्रोनाउन आपने देख लिया वन, वन मस्ट कीप वंस वर्ड राइट, वन मस्ट हेल्प अदर्स, जो यहाँ पे आपका जो वन होता है एज अ प्रोनाउन आता है, एज अ सब्जेक्ट आता है. वन वन टू थ्री की तरह वन नहीं आता, नंबर की तरह नहीं आता है, प्रोनाउन की तरह आता है. जब ये जनरल यू को शो करता है उस केस में हमें हर केस में वन को वन ही लिखना होगा. फॉर एग्जाम्पल वन मस्ट बी सीन्सियर विद हिज स्टडीज, हिज नहीं आएगा, पोजेसिव केस वन का वन ही होगा. सो आंसर विल बी वंस, राइट. सो वन मस्ट बी सीन्सियर विद वन स्टडी, राइट. यहाँ पे पोजेसिव केस जो होगा आपका वन का वंस होता है, प्लूरल भी इसका वंस होता है. अगर आप देखेंगे वन का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है, वो होता है वन सेल्फ. ओके ये आपका रिफ्लेक्सिव केस हो जाएगा यहाँ पर, और आपको हर जगह यही यूज करना है. अब वन के साथ यू कांट यूज हिज हर, ये सब यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इज अगर कोई इनडेफिनिट प्रोनाउन ईदर या नीदर, ठीक है, ये दोनों में से है, तो हमेशा ये आपके दो ही पर्सन या थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब दे आर ओनली यूज फॉर टू. ओके वेदर थिंग्स पर्सन एनिमल कुछ भी हो, सो वी कांट यूज देम फॉर मोर देन टू. एनी ऑफ द टू बॉयज कैन बी साइन, सॉरी कैन साइन फॉर द अप्रूवल. सो अगर आप देखेंगे हाउ मेनी बॉयज आर देयर, टू, यू कांट राइट एनी वन, राइट. सो आंसर विल बी ईदर ऑफ द बॉयज, आई एम सो सॉरी ब्रदर्स, एक्सट्रीमली सॉरी, ईदर ऑफ द ब्रदर्स कैन साइन फॉर द अप्रूवल. ईदर ऑफ आएगा टू के लिए, वी ऑलवेज यूज ईदर, वी कांट यूज एनी. एनी इज यूज फॉर मोर देन टू. ओके नीदर होता है दो के लिए, मोर देन टू के लिए वी विल यूज नन. ओके ईदर में हम एनी भी यूज कर सकते हैं एंड वन भी यूज कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके सो नेक्स्ट है हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है जनरली इन केसेस में आता है, यानी कि इन केसेस में चाहे आप पर्सन लिखे, एनिमल लिखे, कुछ भी लिखे, इन केसेस में हम हु, होम, ये सब यूज नहीं करेंगे. ओके सिंपली यूज करेंगे जैसे एनी, नन, नथिंग, सेम, ओनली, द लिटिल, द फ्यू, सुपरलेटिव डिग्रीज. जहां पे भी आपको ये दिख जाए सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ये जो आपके, इनके बाद हमेशा डैट लगता है. रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, ये सब नहीं लगेंगे. अगर आपको कंफ्यूजन है कि यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, जहाँ पे एक पर्सन और कोई भी अलग दूसरे एनिमल या थिंग को रेफर किया जा रहा है, वहां पे भी हम डैट यूज करते हैं. बिकॉज देखिए एनिमल और थिंग के लिए हम विच यूज कर सकते हैं, ठीक है, डैट दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. पर्सन के लिए हम हु यूज करते हैं, डैट यूज कर सकते हैं. तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, डैट आ गया. इसलिए हम जनरली इनके साथ डैट यूज करते हैं. जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता कि हमें पर्सन के लिए और एनिमल के लिए दोनों के लिए साथ में एक हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है. द एग्जाम्पल इज ही इज द सेम पर्सन हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट. तो जहाँ पे भी आप सेम देख लें, ओनली देख लें, इनके साथ वी यूज डैट. अच्छा एक और चीज, सेम और ओनली के साथ द ही लगाया जाता है. ओके नेक्स्ट देखते हैं. द वर्ब आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट एग्री विद द नंबर एंड पर्सन एज इट्स एंटीसिडेंट. ओके सो रिलेटिव प्रोनाउन आपके चार होते हैं, हु, हूम, दैट एंड विच. इन सब के साथ क्या होता है, तो जो भी आपके इनके बाद जो वर्ब आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, इनसे पहले लिखे हुए नाउन के अकॉर्डिंग. बस यही है, एंटीसिडेंट कुछ नहीं है. रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपने नाउन लिखा है उसको हम एंटीसिडेंट बोलते हैं. जैसे देखिए वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु स्टेज, तो अगर देखेंगे फ्रेंड्स इज द एंटीसिडेंट, हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड दिस इज द वर्ब, दिस विल कम अकॉर्डिंग टू द फ्रेंड्स. तो यहाँ पे स्टेज नहीं आएगा, स्टे आएगा, बिकॉज फ्रेंड्स जो है आपके क्या है, प्लूरल है, राइट. सो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. नेक्स्ट देखते हैं, द केस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन शुड मेंटेन पैरेललिज्म विद द वर्ब. ओके एग्जांपल देख लेते हैं कि जो जैसे रोहिणी वाज द वन हुम द सिक्योरिटी बैड फ्रॉम एंट्रिंग, कि रोहिणी वो इंसान थी जिसको सिक्योरिटी ने रोक दिया था. बैड मतलब रोक देना. ओके बार मतलब रोक देना या बैन कर देना एंटर करने से. सो अगर आप यहाँ पे देखें सो यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी है उसने किसको रोका है, रोहिणी को रोका है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सिक्योरिटी बैड, ठीक है. सो देखिए रोहिणी आपका सब्जेक्ट है, वो आपका लिंकिंग वर्ब है,
और यहाँ पे क्या आएगा आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट याद रखिएगा हमेशा आपका या तो नाउन बनता है या एडजेक्टिव बनता है या प्रनाउन बनता है, लेकिन प्रनाउन में भी आपका क्या आएगा सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। हमने अभी किया था आई वी ही शी इट यू, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्टिव केस होते हैं, दे। और ऑब्जेक्टिव केस होते हैं आपका मी हिम देम हर अस, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हुम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा हु। ओके दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, हु डिड यू फोन, ठीक है। यहाँ पे देखिए होता क्या है, याद रखिएगा वर्ब से पहले अगर कुछ भी आप लिखेंगे कोई भी नाउन दैट बिकम्स सब्जेक्ट, लेकिन अगर वर्ब के बाद अगर कोई भी आप नाउन लिखते हैं दैट बिकम्स योर ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यू तो है आपका, ठीक है, यू है आपका सब्जेक्ट, फोन क्या है वर्ब है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो अगर इसका आंसर देने की कोशिश करें आप, तो आप क्या बोलेंगे आई फोन राहुल, आई फोन हिम, इसका रिप्लाई क्या आ रहा है आपका, रिप्लाई आ रहा है हिम। हिम इज ऑब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस हु और हुम का क्या होता है, दोनों में से कौन सा होता है, हुम होता है। तो आंसर विल बी हुम डिड यू फोन, ओके, तुमने किसको कॉल किया था। तो आंसर जो आपका आएगा, रिप्लाई जो आएगा आपका हिम आएगा, हर आएगा, और ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो वी कांट राइट हु योर, वी हैव टू राइट हुम। तो जिस तरीके का हमें पैरेललिज्म मींस जिस तरीके का हमें प्रोनाउन चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए तो सब्जेक्टिव लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। ओके तो वेरी इजी, आपको सिंपल ये याद रखना है कि जहां पे सब्जेक्टिव केस नजर आ उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो जैसे आप आंसर देंगे आपका इजीली वहां पे पता चल जाएगा वो सब्जेक्ट बन रहा है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, और वहां पे आप इजीली उसको हु और हुम में से डिसाइड कर सकते हैं क्या है। नेक्स्ट देखते हैं द रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज विद एन एंटीसीडेंट। ओके तो जो व्हाट होता है विदाउट एन एंटीसीडेंट, तो देखिए अभी हमने हु होम विच डैट ये जो किया था इनके साथ हमें लिखना होता है एक एंटीसीडेंट, यानी कि इनसे पहले एक नाउन आएगा, लेकिन व्हाट एक ऐसा आपका प्रोनाउन होता है जिससे पहले कोई भी नाउन नहीं लिखा जाता है, उस केस में वो गलत हो जाता है। व्हाट के साथ बाकी आपके वॉट एवर विच एवर एवर वाले वर्ड्स, ओके, हु एवर हुम एवर, ओके, वेर एवर, ये सारे के सारे जो आपके वर्ड्स हैं इन सबके साथ वी नेवर यूज एनी नाउन बिफोर देम, बिफोर देम इफ यू राइट अ नाउन दैट विल बी रॉन्ग। जैसे शी इज वेयरिंग द इयररिंग्स दैट व्हाट आई प्रेजेंट इन हर, तो व्हाट जो है आपका इससे पहले नाउन लिखना इज रॉन्ग, तो ये तो गलत है, या तो लिखिए शी इज वेयरिंग व्हाट आई प्रेजेंट इन हर, है ना। तो ये एक्चुअली जो व्हाट होता है आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो ये अपने आप पे एक नाउन बन जाएगा, यहाँ पे ये नाउन फ्रेज का काम करेगा, ये खुद ही यहाँ पे इसके ऑब्जेक्ट का काम करेगा फिर, ठीक है। इसीलिए हम नाउन व्हाट के साथ कभी भी इससे पहले नाउन नहीं लिखते, क्योंकि ये खुद नाउन का ही काम करता है, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करें, इसका काम एक कर सकते हैं, या तो इयररिंग्स को हटा दीजिए, बट थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन वो मिसिंग हो जाएगी। सो द बेस्ट थिंग इज अब व्हाट को हटा दीजिए, यहाँ पे डेट लिख दीजिए, इजीली हो जाएगा। शी इज वेयरिंग द इयररिंग्स, डेट भी लिख सकते हैं, विच भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। विच आई प्रेजेंटेड हर, डेट आई प्रेजेंटेड हर, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेन सिंस। ओके जो फॉर और सिंस होता है ये आपके आपको पता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किए जाते हैं। जैसे शाहरुख खान इज डूइंग मूवीज फॉर लास्ट 20 ईयर्स, सो होता क्या है, जो फॉर होता है याद रखिएगा ये आपका ड्यूरेशन होता है, और जो सिंस होता है ये आपका पॉइंट इन टाइम होता है। तो इनमें केस क्या हो जाता है, जो सिंस होता है आपका जनरली यस्टरडे, 1988, चाइल्डहुड, इन सब के साथ आता है। कोई जैसे कोई आप टाइम पकड़ लीजिए वहां से लेके अब तक, राइट, जैसे सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस जनवरी, राइट, सिंस लास्ट मंडे, कुछ भी आपका यहाँ पे इसके साथ एक टाइम को पकड़ के आप अगर उसको देखते हैं कि तब से लेके अब तक, दैट इज इन दैट केस वी यूज सिंस। फॉर होता है आपका ड्यूरेशन के लिए, जहाँ पे भी आप काउंटिंग देखे 1 2 3, फॉर 1 डे, मैनी मंथ्स, फॉर डेकेड्स, क्योंकि देखिए इसमें ना काउंटिंग आ रही, डेकेड्स मतलब 10 साल जो होते हैं आपके, है ना। तो इन सब के साथ आपका फॉर आता है। ओके सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 15 वीक्स, कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे एस आर के इज डूइंग फॉर लास्ट 20 ईयर्स, 20 ईयर्स,
गिनती है। तो आपका यहाँ पे ये आपका ये तो सही है, एक्सक्यूज मी, ये तो आपका सही है राइट। दूसरा आपका क्या है, ये परफेक्ट टेंस में आएगा, इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हैज बीन। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके सो अगर आप देखें, अगो है, लास्ट टाइम है, यस्टरडे है, चाइल्डहुड है, 1988 है। अगर आपको ऐसा कुछ दिख जाता है जैसे इन 1988, यस्टरडे, लास्ट के साथ कोई भी ना, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट संडे, लास्ट जनवरी, लास्ट दिवाली, अगो, इन सब के साथ आपको कौन सा टेंस यूज करना है, वी टू यूज करना है, पास्ट टेंस यूज करना है। साक्षी हैज रिटर्न माई असाइनमेंट लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है, लास्ट नाइट है, सो वी कांट यूज परफेक्ट टेंस, वी हैव टू यूज वी टू विद देम राइट, वी हैव टू यूज वी टू पास्ट टेंस। तो आंसर विल बी साक्षी रिटर्न माई असाइनमेंट लास्ट ईयर। ओके वी नीड टू यूज वी टू हियर। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि आपके एडवर्ब्स जो होते हैं टेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने ये कर लिया, परफेक्ट टेंस का भी बता देती हूँ। परफेक्ट टेंस में आपको पता है ये तो ठीक है, आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा, फॉर प्लस टाइम आएगा। परफेक्ट टेंस जो होता है आपका, वो आपका यूज होता है इन एडवर्ब्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपका जस्ट है, ऑलरेडी है, रिसेंटली है, सो फार है, येट है, टिल है, इन सब के साथ वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके और अगर आप यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे ये कर लिया है हमारा पास्ट टेंस का, प्रेजेंट टेंस थोड़ी देर में मैं करवा दूंगी, अपकमिंग स्लाइड्स में है। अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं आपके, उसमें जनरली हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद रखिएगा, ये सिर्फ दो चीजों के लिए मायने रखता है ये वाला रूल, टाइम और आपका कंडीशनल। जहां पे आप देख लें कि वहां पे आपको समय का पता चल रहा है या फिर किसी कंडीशन का पता चल रहा है, उस केस में ये वाला रूल लागू होगा। होता क्या है कि अगर आपका मेन क्लॉज अगर सिंपल फ्यूचर में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में है, विल शाल के साथ लिखा हुआ है, तो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि जो दूसरा क्लॉज है जिससे पहले लिखा हुआ है, अनटिल, अनलेस, इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वंस, इन केस, इन सब के साथ अगर लिखा हुआ है, उस केस में, उस क्लॉज में हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे, दो फ्यूचर टेंस नहीं यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शी विल क्राई इफ यू टीज हर, तो अगर देखेंगे देखिए शी विल क्राई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये क्या फ्यूचर टेंस है। फिर आपका आ जाता है इफ, ये वाला केस आ गया। इसके बाद जो आपका क्लॉज बनेगा दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी क्लॉज, और यहाँ पे आपका ये कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होगा, इट हैज टू बी रिटन इन प्रेजेंट टेंस। तो विल यहाँ से हटा देंगे, हमारा आंसर यहाँ पे इजिली मिल जाएगा। तो शी विल क्राई इफ यू टीज हर। ओके ये सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम और कंडीशनल क्लॉजेस में ही लगता है। नेक्स्ट देखते हैं, जब भी आपको कोई मेन क्लॉज होता है पास्ट टेंस में, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज को हमेशा पास्ट टेंस में ही रखना होता है, ये चीज याद रखिएगा। जैसे आपने किया होगा, राम टोल्ड मी दैट सर इज कमिंग टुमारो, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो राम के साथ क्या है, वी टू है, तो ये आप सबको पता है, जनरली आप यही करते हैं। यहाँ पे अगर पास्ट टेंस है, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं लिख सकते, इसको भी आपको पास्ट बनाना होगा। सर के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा, वेरी इजी राइट। सो सर वॉज कमिंग टुमारो, सो ये जो थोड़ा सा है ये आपका थोड़ा सा वियर हो जाएगा, वैसे सही है, वॉज कमिंग टुमारो भी सही है, और अगर आप चाहें तो सर वुड कम टुमारो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे, सर वॉज कमिंग टुमारो। ओके सो राम टोल्ड मी दैट सर वॉज कमिंग टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सम नाउन हैव नो प्लूरल फॉर्म एंड आर कंसिडर सिंगुलर एंड हेंस टेक सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन। ओके सो देखिए अभी यहाँ पे आपके कुछ एक ऐसे नाउन होते हैं, जनरली ये आपके मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से बिलोंग करते हैं। ये ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम हमेशा ही सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करते हैं, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे एडवाइस, ब्रेड, बिजनेस, ब्रिकेज, क्रॉकरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, ज्वेलरी, नॉलेज, लैंग्वेज, लगेज, मनी, मिस्चीफ, पोइट्री, पोस्टेज, सीनरी, स्टेशनरी, वेस्टेज। ओके तो ये आपके ऐसे नाउन है, न्यूज भी इसी में आ जाता है। ओके न्यूज आ जाता है इसके अंदर, बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं आपके। तो ये ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें दे हैव नो प्लूरल फॉर्म। ओके यू कॉन्ट मेक देम प्लूरल, यू कॉन्ट राइट फर्नीचर्स, इंफॉर्मेशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर साल इससे तो फर्स्ट श्योर क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके, अनकाउंटेबल नाउन्स है, ये सारे के सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन्स है। एंड डोंट यूज एनी आर्टिकल विद देम। ओके वी डोंट यूज एनी आर्टिकल्स विद देम, स्पेशली ए और एन, ठीक
ठीक है, ये हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं इनके साथ। तो देखिए, जैसे नो फियर टू कीप हर लगेजेस इन द क्लॉक रूम। क्लॉक रूम होता है आपका, जहां पे आप सामान अपना रख सकते हो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे होता है ये। तो लगेजेस विल बी रॉन्ग है, बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल नाउन, यू कांट मेक इट प्लूरल। सो आंसर विल बी नो फियर टू कीप हर लगेज इन द क्लॉक रूम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर आपके दो या दो से ज्यादा अगर आपका सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है एंड से, ऑब्वियसली उसके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे राम, श्याम एंड मोना आर कमिंग टू द पार्टी। तो यहाँ पे तीन लोग हैं एंड से जुड़े हुए, प्लूरल वर्ब आएगा। वेरी इजी। बट इफ टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइन बाय एंड एंड स्पीक ऑफ वन आइडिया, गिव द सेंस ऑफ यूनिटी द माइंड। ओके, यूनिटी ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी टू द माइंड, टेक अ सिंगुलर वर्ब। ओके, सो क्या होता है कि अगर वो अलग अलग एंटिटी शो हो रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, लेकिन अगर आपको लगता है कि एक ही एंटिटी को शो कर रहे हैं, एक ही चीज को शो कर रहे हैं, एक ही आइडिया मिल रहा है, तो उस केस में हम उनको क्या करते हैं, उनको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे राजमा एंड चावल इज माई फेवरेट क्यूजीन। तो राजमा एंड चावल टू अलग अलग यहाँ पे आपके नाउन्स है। राजमा एंड राइस बोल सकते हैं आपका। फिश एंड चिप आपके एग्जाम में आ चुका है, फिश एंड चिप्स। डैश माई फेवरेट, ओके, फेवरेट स्नैक। सो इफ यू सी दिस इज टाइप ऑफ अ क्यूजीन, तो ये क्या है, एक क्यूजीन है। जैसे राजमा चावल है, छोले चावल, राइट। सो इन दीज केसेस वी हैव फिश एंड चिप अ पर्टिकुलर क्यूजीन। सो आंसर विल बी इज, बिकॉज दिस इज गिविंग अ काइंड ऑफ यूनिटी, राइट। एक सिंगल आइडिया का मतलब दे रहे हैं। तो जनरली आपका क्यूजीन के लिए यूज किया जाता है, इडियम्स के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे आपका एंड तो दिखाई दे रहा है लेकिन साथ में आपका वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा। जैसे कि एडमायरेशन, एक्लेड एंड एक्लेमेशन हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर। तो अगर आप देखेंगे, एडमायरेशन, एक्लेड और एक्लेमेशन, तीनों का मीनिंग सेम है, एक ही आइडिया दे रहे हैं। जब भी अगर आपके वर्ड्स अगर सिनोनिमस होते हैं, मतलब अगर वो आपस में सिनोनिम्स होते हैं, तब भी हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हैज आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड आर प्रिसीडेड बाय ईच एंड एवरी, टेक सिंगुलर वर्ब। ये हम कर चुके हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाला हमने किया था। मैंने आपको बोला था कि जहां पर भी आप जहां पर भी आप ईच एंड एवरी देखते हैं, चाहे वहां पे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्लूरल नाउन हो, क्योंकि ईच के बाद आपका ऑफ भी लग सकता है, ईच ऑफ द बॉयज। ओके, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमेशा आपका जो वर्ब होगा दैट विल बी सिंगुलर। ओके, वेरी इजी। ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर टू बी प्रेजेंट एट द फंक्शन, नो, इज टू बी, राइट, इज टू बी प्रेजेंट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आपके अगर दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाता है विद, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, बिसाइड्स, एज वेल एज, इन एडिशन टू, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, रूल बाय, लाइक बाय, अगर इन सब से ज्वाइन किया जाता है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये सारे के सारे आपके प्रपोजिशन है। तो इन इनमें क्या होता है, अगर सब्जेक्ट पहले लिखा है, दूसरा सब्जेक्ट बाद में लिखा है, तो जो वर्ब होता है वो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए, द मेयर विद हिज काउंसिलर आर ब्लेम फॉर द फियस्को। फियस्को मीन्स फेलियर। तो मेयर एंड काउंसिलर्स आर, तो अगर देखेंगे यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे विद है, तो सॉरी, विद है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन बन जाएगा, मेयर के अकॉर्डिंग आएगा, बिकॉज दिस इज सब्जेक्ट वन, दिस इज सब्जेक्ट टू। यहाँ पे जो वर्ब होगा मेयर के अकॉर्डिंग आएगा, तो इज आएगा, आर नहीं आएगा। ओके, सो वेरी इजी, इज टू बी ब्लेम्ड। नेक्स्ट देखते हैं, सर्टेन नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग, टेक अ सिंगुलर वर्ब। कुछ एक नाउन ऐसे दिखाई तो देते हैं, सॉरी, मतलब दिखाई तो देते हैं प्लूरल, लेकिन होते सिंगुलर है, राइट। जैसे मैंने आपको अभी न्यूज वाला एग्जाम्पल दिया था, न्यूज यहाँ पे आ गया है। ओके, बिलियर्ड्स है आपका, एक गेम है, ड्रॉक्स, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एथिक्स, इनिंग्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, मीजल्स, मम्स, इन न्यूज, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, क्रिकेट, समन्स, ये सारे के सारे आपके दिखाई देते हैं प्लूरल, लेकिन है ये सिंगुलर, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। जैसे बिलियर्ड्स आर द गेम ऑफ द रिच, तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। ये दिखते प्लूरल है क्योंकि बिलियर्ड एक ही गेम का नाम है, जिमनास्टिक्स बोलते हैं। ओके, मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो इज लिखेंगे, तो इन सब का ये आपका केस हो जाएगा। यस, एक बात याद रखिएगा, इनिंग्स जो इनमें से है, इनिंग्स आपका सिंगुलर का फॉर्म भी यही है और प्लूरल का फॉर्म भी यही है। तो जहां पे आपको प्लूरल दिखाई दे, जैसे टू इनिंग्स लिख दिया, तो वहां पे आर लिखेंगे। अगर वन इनिंग्स लिख दिया, फर्स्ट इनिंग्स लिख दिया, तो वहां पे सिंगुलर लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एक नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते से जो होते दिखाई तो देते हैं सिंगुलर, बट मीनिंग होता है उनका प्लूरल, तो लेंगे प्लूरल वर्ब। जैसे कैटल, कैवलरी, क्लर्जी,
चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, पिजेंट्री, जेंट्री, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, ये दिखते सिंगुलर है पर होते प्लूरल है, लिखेंगे इनके साथ हम प्लूरल वर्ब ही। जैसे द पोल्ट्री वॉज नॉट गिवन एडिक्वेट फूड, तो वॉज नहीं आएगा यहाँ पे, वर आएगा। वाई? बिकॉज पोल्ट्री इज यू नो मुर्गियां, इट मीन्स दीज आर द बर्ड्स दैट आर रेज फॉर एग्स एंड मीट। ओके, सो दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब, तो वर आएगा। नेक्स्ट है कि कुछ एक ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में सेम आपका फॉर्म होता है, जैसे एयरक्राफ्ट, यू कैन से एयरक्राफ्ट। अगर एक हवाई जहाज है उसको हम क्या बोलेंगे, वन एयरक्राफ्ट। अगर 10 है तो भी हम बोलेंगे उसको 10 एयरक्राफ्ट। हाँ, एरोप्लेन के नाम पे यूज करेंगे तो एरोप्लेन एंड एरोप्लेन्स हो जाएगा, लेकिन एयरक्राफ्ट के तौर पर यूज करेंगे तो आपका एयरक्राफ्ट ही रहेगा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर वी विल यूज द वर्ब। ओके, डियर है, फिश है, स्वाइन है, ट्रॉट है, ट्रॉट एक तरीके का आपका जानवर होता है, क्रॉस रोड्स है, हेडक्वार्टर्स है, ऑफस्प्रिंग है, ये सारे के सारे आपके क्या है, हमेशा सेम फॉर्म रखेंगे, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, और इसी में ही हमारा इनिंग्स आ जाएगा। सीरीज आपका लास्ट ईयर आया था, सीरीज भी इसी के अंदर आ जाएगा। जैसे टेस्ट सीरीज है, आपने एक लगाई है चाहे 10, आपने टेस्ट सीरीज आपने परचेज की और उनको मॉक टेस्ट के तौर पर दिया है, तो वो सीरीज सीरीज ही रहेगी। स्पीसीज भी आपका सेम रहता है, स्पीसीज चाहे एक है चाहे 10 है, वी विल यूज स्पीसीज, राइट। सो ये वाले वर्ड्स आपके एग्जाम में आ रखे हैं, तो देखते हैं। अ डियर इन सर्च ऑफ फूड कम्स वेरी नियर अवर गेट। सो अगर आप देखेंगे ए डियर, बिल्कुल सही है, एक डियर है, लेकिन अगर दो भी होंगे, मैनी भी होंगे, तो भी आप डियर ही लिखेंगे, डियर्स नहीं लिख सकते, ठीक है, बिकॉज इसका प्लूरल और सिंगुलर दोनों फॉर्म ही सेम वर्ब फॉर्म होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एक ऐसे प्लूरल है सॉरी नाउन्स होते हैं जिनके दो सिमेट्रिकल हिस्से होते हैं और उनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखते हैं। जैसे बाइनोकुलर्स दो हिस्से हैं, ओके, ग्लासेस दो हिस्से हैं, प्लायर्स दो हिस्से हैं, पेंसिल्स दो हिस्से हैं, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ओके, आपके जिसके भी दो हिस्से होते हैं, जैसे स्केल्स हो गया, तराजू जिसे बोलते हैं, तो ये सारे के सारे आपके दो हिस्सों वाले हैं, तो ये हमेशा आपके प्लूरल दिखते हैं, प्लूरल ही वर्ब ले लेंगे आपके साथ, ठीक है। जैसे दिस इज नॉट माई सीजर्स, सो यहाँ पे दिस इज नहीं होगा, आंसर विल बी दीज आर। वाई? बिकॉज दे लुक्स प्लूरल, दे लुक प्लूरल एंड दे एक्चुअली एक्ट एज प्लूरल नाउन्स। अगर आपको यहाँ पे लिखना है कि मेरे पास दो कैंचियां हैं, तो कैसे लिखेंगे, आई हैव, अच्छा एक कैंची तो वन पेयर ऑफ सीजर्स लिखेंगे, सीजर्स ही, राइट। इफ यू हैव टू पेयर्स तो आंसर विल बी आई हैव टू पेयर्स ऑफ सीजर्स, राइट। सो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कलेक्टिव नाउन में टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं आपके, जैसे फैमिली है, टीम है, आपका जूरी है, बेंच है, और ये सारे सारे क्या है आपके कलेक्टिव नाउन है, तो ये अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सेपरेशन है, डिवीजन है, डिसएग्रीमेंट है, तो इनके इनके लिए हम ये प्लूरल नाउन की तरह काम करते हैं, इनके साथ प्लूरल वर्ब लिखेंगे। और अगर ये यूनानिमसली काम करते हैं, एज अ होल यूनिट काम करते हैं, तब हम इनको सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे, सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। जैसे द जूरी गेव दैट डिसीजन दैट अजमल कसाब शुड बी हैंग, ठीक है, वर्ब के साथ भी यही होता है, प्रोनाउन के साथ भी यही होता है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो सही है, गेव। अगर यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस लिखना होता तो गिव्स आता, क्योंकि क्या है, उन्होंने डिसीजन मिल के दिया है कि इसको फांसी देनी चाहिए, तो देयर नहीं आएगा, यहाँ पे इट्स आएगा। अगर यहाँ पे होता है इनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता तब हम लिखते देयर, ओके, बट यहाँ पे क्या है, यूनानिमसली ये वर्क कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इट्स आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज Either of, neither of, none of, one of, each, take a singular verb. ये हम starting में discuss कर चुके हैं, होता क्या है, इन सब के बाद we write plural noun but singular verb, right? We write singular verb with them. So neither of the boys are ready, no, is ready. Either of the boys is ready, none of the boys is ready, and one of the boys is ready. Each of the boys is ready. Okay. Next we have is fraction. Lot of, lots of, most of, percent of. Plenty of, quarter of, remainder of, sum of, half of, one third of, 50% of, okay, 10% of, ये सब के सब जो होते हैं आपके fractions होते हैं, ये आपके साथ countable noun भी लिख सकते हैं और uncountable noun भी लिख सकते हैं, और जैसा noun वैसा verb, okay, अगर countable noun है, obviously we will write plural, क्योंकि 50% of the boys are, 50% boys जो है, वो absent है, तो are लिखेंगे। Next, अगर लिखेंगे 50% of sugar is, क्योंकि uncountable noun है, तो is है। The team could finish fast as some of the work were done by the team leader.
सो सम ऑफ द वर्ब, सम ऑफ के बाद अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन लिखा है सिंगुलर होता है वॉज आएगा. अगर लिखा था सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द नाउन इन सबके बाद वी यूज वर्ब, राइट. सो अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप देखते हैं द फॉलोइंग, द अंडर साइन, अगर ये सब देखते हैं द फॉर्मर, द लेटर, ओके, जब भी आप ऐसे वर्ड्स देखते हैं इनके बाद जो वर्ब आता है दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग इज द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट. तो देखिए इनके बाद जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, बाद वाले नाउन, ये क्या है प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे क्या आएगा आर. लेकिन अगर लिखते हैं द फॉलोइंग इज द लिस्ट, क्योंकि लिस्ट एक ही है तो आप इज लिखते हैं. ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सर्टेन वर्ड्स लाइक ऑल, एनी, इनफ, मोस्ट, सम, एक्सेट्रा टेक सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. तो ठीक है, ऑल इज वेल बोलते हैं और ऑल आर वेल बोलते हैं, दोनों सही है. ऑल इज वेल मतलब एवरीथिंग इज वेल, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, योर जॉब, योर लाइफ, योर फैमिली मेंबर्स. और ऑल आर वेल का मतलब होता है इट ओनली इंक्लूड्स पीपल, राइट, नथिंग एल्स. तो ये होता है आपका. तो ये आपके ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ आप सिंगुलर प्लूरल कुछ भी यूज कर सकते हैं एज पर द कॉन्टेक्स्ट. ओके, जैसे मोस्ट ऑफ द वर्क आर नॉट येट कम्प्लीट, तो मोस्ट ऑफ के साथ आपका वर्क जो है यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा. जैसे वैसा ही है डिक्टू जो अभी हमने किया था, और ये आपका वही से काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग सकता है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द बॉयज आर, मोस्ट ऑफ द वर्क इज. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, एनीबडी, एनीवन, ईच, एवरी, एवरीबडी, एवरी, एवरीवन, एवरीबडी, मच, नो वन, वन, अदर, समबडी, समवन, समथिंग, ऐसे कुछ होते हैं जो कि आपका सिंगुलर वर्ब लेते हैं, राइट. ये सारे के सारे आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन है और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लिखते हैं. जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज, ये पहले भी कर चुके हैं, समबडी वॉज, समवन इज, समबडी समथिंग डज. ओके, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपका कोई सेंटेंस है जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सब्जेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, पॉजिटिव के अकॉर्डिंग आएगा. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तो पता नहीं क्या है, इट इज शाहरुख, नॉट हिज को-स्टार्स हु डिसाइड द कैमरा एंगल. सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो देखिए नॉट किसके साथ लिखा है, को-स्टार के लिए लिखा है, ये हो गया आपका नेगेटिव. पॉजिटिव क्या है, शाहरुख. तो देखिए ये जो वर्ब है ना आपका, ठीक है, ये जो आपका वर्ब है ये आपका किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये नहीं कर रहा है. ओके, शाहरुख कर रहा है ना, तो ही इज द डूअर, सो आंसर विल बी डिसाइड्स, नॉट डिसाइड. नेक्स्ट देखते हैं, ओके, एक प्लूरल नाउन अगर आपका स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट शो करता है तो फिर जो वर्ब होता है आपका सिंगुलर होना चाहिए. जैसे 500 rupees आर नॉट अ स्मॉल अमाउंट. ओके, तो अगर आपका, अगर कोई भी जनरली ये जो आपका अमाउंट होता है मनी वाला है, क्वांटिटी मतलब वेट हो गया आपका या कोई भी क्वांटिटी हो गया, तो इन डिस्टेंस हो गया, इन सब में आपका क्या होता है, अगर एज अ होल हम यूनिट ले रहे हैं, एज अ होल यूनिट, ठीक है, उस केस में आपका ये सिंगुलर की तरह काम करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा. लेकिन अगर यहाँ पे आ रहा है आपको, यहाँ पे हो रहा है इनके बीच में सेपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, इन सब के साथ अगर इनके बीच में कुछ भी डिवीजन, तब हम यहाँ पे इनको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, इनके साथ प्लूरल वर्ब लिखेंगे. ठीक है, जैसे 500 rupees इज वाई टोटल है, ओके, लेकिन 500 rupees आर टू बी स्पेंट, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, ऑन वेरियस थिंग्स, तो यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो यहाँ पे आर आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, एडजेक्टिव्स हैव टू बी केयरफुली यूज विद द नाउन इट मॉडिफाइज. ओके, तो देखिए काफी अच्छा है ये, तो एडजेक्टिव्स को हमें प्रॉपरली यूज करना चाहिए. यहाँ पे ये बोला है, जैसे देखिए आप समझ जाएंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फ्लावर्स कलरफुल फ्रेग्रेंस फ्रेग्रेंस फिल द एंटायर रूम. कलरफुल फ्रेग्रेंस नहीं होती, फ्रेग्रेंस इज ईदर बैड और गुड. सो यहाँ पे फ्लावर होगा कलरफुल, तो आंसर विल बी द कलरफुल फ्लावर्स फ्रेग्रेंस. ओके, क्या आएगा, द कलरफुल फ्लावर्स फ्रेग्रेंस. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एक आपके ऐसे
वर्ड्स होते हैं जो कि हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, इसको आप सुपरलेटिव या फिर कंपैरेटिव नहीं बना सकते, इनको हम क्लासिफाइड बोलते हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सारे के सारे आपके क्या है, ये तो आपके कंपैरेटिव और पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री ले रहे हैं, लेकिन एल्डर है, ओके, एक्सटीरियर है, यूनिक है, परफेक्ट है, डेड है, कंप्लीट है, एम्प्टी है, माइनर है, मेजर है, ओके। इन सब के साथ वी डोंट यूज एनी सुपरलेटिव डिग्री, मोर, मोस्ट वगैरह कुछ यूज नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लिखा, शी, सीता इज माइनर देन एनी अदर गर्ल्स ऑफ दर क्लास, माइनर के साथ वी कांट यूज देन, दैट विल बी रॉन्ग। सो यहाँ पे ये सब कुछ गलत हो जाएगा, सिंपल लिखेंगे सीता इज अ माइनर गर्ल ऑफ अ क्लास, सिंपल। यहाँ पे इनको हम कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री किसी में भी यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ही इज द मोस्ट परफेक्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मोस्ट नहीं आएगा क्योंकि परफेक्ट है, यूनिक है, डेड है, कंप्लीट है, फुल है, इन सब के साथ वी कांट यूज मोर, मोस्ट, ये सब नहीं यूज कर सकते, ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहते हैं, ओके। नेक्स्ट वी हैव इज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं आपके, वो जनरली देन के साथ आते हैं, राइट, आपको पता ही होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो कि ओ आर से खत्म होते हैं, ओके, या फिर प्रेफर और प्रेफरेबल है, उनके साथ वी डोंट यूज देन, वी यूज टू, ओके। यहाँ पे हम प्रेफर भी लिख देंगे एंड प्रेफरेबल भी लिख देंगे, जैसे टॉलर देन होता है, बेटर देन होता है, लेकिन इंटीरियर, इंपीरियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, सुपीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, इन सब के साथ क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, और इन सब के साथ नेवर यूज यू नो वेरी, मोर, ये सब गलत हो जाएगा, मोस्ट, इनके साथ भी सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखते हैं, ओके। जैसे दास चंद्र इज मिस्टर, दास चौधरी इज सीनियर देन मिस्टर बेहरा, तो देन नहीं आएगा, टू आएगा, इज सीनियर टू, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, अवॉइड यूजिंग कंपैरेटिव इन ई आर व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ अ सेम नाउन आर कंपेयर्ड, राइट। सो इसका मतलब क्या है आपको बता देती हूँ, अगर एक ही पर्सन है, एक ही थिंग है, अगर उनकी दो क्वालिटीज को अगर हम कंपेयर करें, जैसे द बर्ड इज प्रीटियर देन स्ट्रॉन्ग, वी आर कंपेयरिंग टू क्वालिटीज ऑफ द बर्ड, राइट। सो इस केस में आपका वी कांट यूज ई आर, वी हैव टू यूज मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, आंसर विल बी द बर्ड इज मोर प्रिटी देन स्ट्रॉन्ग, ओके। सो जब दो क्वालिटीज को अगर हम कंपेयर कर रहे होते तो मोर के साथ आपका पॉजिटिव डिग्री आता है, ओके। फिर हम देन लिखते हैं, देन अगेन वी राइट पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। ई आर वाला केस नहीं आएगा इसके अंदर, हाँ, दो अलग अलग लोगों की कुछ क्वालिटी, एक क्वालिटी को हम अगर कंपेयर कर रहे हैं फिर आएगा, जैसे शी इज टॉलर देन मी, वो सही है। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज व्हेन कंपैरिजन अमंग मोर देन टू नाउन्स इज डन, ओके। देखते हैं, देखिए ये होता है आपका वन वर्सेस ऑल, एक्चुअली तो द क्रो इज क्लेवर ऑफ ऑल बर्ड्स, जहां पे भी आप ऑफ देख लें, इन देख लें, ओके, और ऑल देख लें, इन सब केस में वी यूज सुपरलेटिव डिग्री, तो क्लेवर नहीं आएगा, क्लेवरेस्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री में वी नेवर यूज एल्स देन अदर, ये तीनों चीज यूज नहीं करते हैं। स्नेक वुड इज दी हैवीएस्ट ऑफ एनी अदर वुड, ठीक है, तो एनी अदर वुड नहीं आएगा, तो आपका ये जो है आपका यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ऑल लिखते हैं इसकी जगह, ठीक है। तो स्नेक वुड इज दी हैवीएस्ट ऑफ ऑल वुड्स, वुड्स नहीं आएगा, वो आएगा बिकॉज दिस इज योर अनकाउंटेबल, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म ऑलवेज टेक आर्टिकल द बिफोर इट, ये आपको पता ही है, ये आपका हमेशा द आता है, द बेस्ट, द ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, द फाइनेस्ट, राइट। तो द मंक हु सोल्ड हिज फरारी इज द फाइनेस्ट बुक ऑफ ऑल, ऑफ ऑल टाइम्स, राइट। सुपरलेटिव फॉर्म जो होते हैं अपने साथ पोजेसिव आर्टिकल्स ले सकते हैं, ओके, अगर हम द नहीं लिखते, जैसे शी इट इज हर बेस्ट परफॉर्मेंस, हर बेस्ट बोला, द बेस्ट नहीं बोला है, क्यों, पजेसिव केस लिख सकते हैं, रॉलिंग इज फेमस राइटर, ओके, हैरी पॉटर इज द बेस्ट क्रिएशन, तो द की जगह अगर आप हर भी लिख देंगे वो भी सही है, और हर लिखेंगे एक्चुअली, राइट, हर लिखेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट रॉलिंग हियर, जेके रॉलिंग इज द राइटर ऑफ हैरी पॉटर, तो यहाँ पे द नहीं आएगा। अगर आपका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट और मोस्ट
इन दोनों को यूज कर रखा है विद लाइक, वी डोंट यूज द, ठीक है, हम द ही नहीं यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, योर प्रोफेशन कैन बी डिटरमिन फ्रॉम द सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट. लाइक के साथ अगर आपने मोस्ट और बेस्ट लिखा है तो द नहीं आएगा, यू लाइक मोस्ट, ठीक है. और यस, अगर आपका जैसे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके साथ भी हम द लिखते हैं, आगे आएगा वैसे, ठीक, इनके साथ भी हम द लिखते हैं, लेकिन जब वो एडवर्ब की तरह काम करते हैं इन दैट केस वी डोंट यूज. फॉर एग्जाम्पल, आई केम फर्स्ट, यू कैन से द फर्स्ट. यू कैन से आई केम द फर्स्ट, दैट विल बी रॉन्ग, एक्सट्रीमली रॉन्ग. Because this is acting as an adverb here. Okay, ये काफी अच्छा है. अगर आप दो में से सिलेक्ट कर रहे हैं कुछ, ओके, तो आप वहां पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे ना कि सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी इज द बेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, तो हाउ मेनी सिस्टर्स आर देयर, टू, सो यू कांट यूज द बेस्ट, यू हैव टू यूज द बेटर, ठीक है. और ऑल्सो जहां पे रिलेटिव इंक्रीज या डिक्रीज होता है वहां पे भी द प्लस कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं. जैसे द हायर यू गो द डिफिकल्टी बिकम्स टू ब्रीद, ये 2017 के टियर 1 में आया हुआ है. तो अगर आप देखेंगे द हायर, बिल्कुल से द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, राइट. यू गो सब्जेक्ट एंड वर्ब, अगेन वी गॉट, ओके, सो हियर वी नीड टू राइट कंपैरेटिव डिग्री. आंसर इज द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रीद, ओके. ये वाला केस आपको ध्यान रखना है, ये हम आगे भी करेंगे, आई थिंक आगे आ जाएगा. बट याद रखिएगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होता है, देन सब्जेक्ट देन वर्ब, अगेन द प्लस कंपैरेटिव डिग्री देन सब्जेक्ट देन वर्ब. और ये जो वर्ब होते हैं दोनों सेम टेंस के होने चाहिए, अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट, अगर पास्ट है तो पास्ट. अच्छा, डबल कंपैरेटिव डबल सुपरलेटिव कभी भी यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग समर केरला इज मोर हॉटर देन कर्नाटका, डायरेक्ट विल बी रॉन्ग. तो एक ही यूज करेंगे सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव, तो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव यूज करेगा, तो हॉटर यूज करेंगे, मोर यूज करना इज रॉन्ग विद हॉट, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, आपका लॉजिकल कंपैरिजन होना चाहिए, यानी कि जिसका कंपैरिजन हो रहा है आपको ध्यान में होना चाहिए. जैसे देखिए, द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज हॉटर देन भुवनेश्वर. अगर आप देखें तो वी आर नॉट comparing Kolkata and Bhubaneswar, we are comparing the climate, right? So this is wrong. It should be the climate of Kolkata is hotter than that of Bhubaneswar. देखिए, climate का that से हो गया, off हो गया है, and Bhubaneswar and Kolkata अपने आप आ गए हैं, right? आप ऐसे भी लिख सकते हैं, is hotter than Bhubaneswar's. ऐसे भी लिख सकते हैं, अपोस्ट्रॉफी वाला भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, ठीक है. अगर यहाँ पे प्लूरल होता है, जैसे द पीपल ऑफ कोलकाता, ओके, आर मोर इंटेलिजेंट, जो भी आपको लिखना है, राइट, जो भी आपको लिखना है, फेयरर, जो भी लिखना है, डार्कर, जो लिखना है लिख दीजिए. सो देन दोज ऑफ आएगा, दोज ऑफ आएगा, राइट. प्लूरल के लिए दोज यूज करते हैं, यहाँ पे सिंगुलर इसलिए हमने दैट यूज किया है. नेक्स्ट देखते हैं, अगर ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज है तब हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, और हम इसमें कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसे द वेदर इज गोइंग हॉट एंड हॉट नाउडेज, नो, इज गोइंग हॉटर एंड हॉटर नाउडेज आएगा. कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं जब भी आपका ग्रेजुअल चेंज आता है, धीरे धीरे चेंज आ रहा है, सडन चेंज नहीं आ रहा है. और नाउडेज हो गया, दीज डेज हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, ओके, इन सबके साथ व्हाट डू वी यूज कंटिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट वी कम टू आर्टिकल. सो देखिए, जो आर्टिकल ए होता है आपको पता है कि आपका इंडेफिनिट नाउन के साथ लगता है, और ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है, ठीक है. चाहे वॉवेल क्यों ना हो, लेकिन अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो आपका आर्टिकल ए आएगा, ना कि एन आएगा. लेट मी शो यू द आउटकम ऑफ द स्ट्राइक रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन यूनियन. देखिए, यूनियन जो है आपका है तो वॉवल से शुरू, लेकिन जो इसका साउंड है वो क्या है, यूनियन है. यूनियन आप याद रखिएगा, अगर स्वर का साउंड आ रहा है दैट टेक्स एन, और अगर व्यंजन का साउंड आ रहा है दैट टेक्स ई. तो यू य कहाँ पे आता है, स्वर में नहीं आता है, स्वर में तो अ आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आ ये आते हैं. व्यंजन में आता है, री भी नहीं आएगा स्वर में, ओके, तो एन यूनियन नहीं आएगा, ए आएगा. नेक्स्ट देखते हैं, एन जो होता है आपका ये वॉवल साउंड के साथ आता है, स्वर वाले साउंड के साथ आता है, चाहे वो आपका कॉन्सोनेंट से क्यों ना शुरू हो. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन होता है, राइट, एन ऑनेस्ट मैन होता है, ना कि अ ऑनेस्ट मैन होगा, दैट विल बी एक्सट्रीमली रॉन्ग.
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एस एम एस लिख दिया तो एन एस एम एस लिखेंगे, क्योंकि ये शुरू तो एस से हो रहा है, लेकिन साउंड क्या आ रही है, एस ए ए वाली साउंड आ रही है, ए इज द स्वर, स्वर के साथ हम एन लिखेंगे, अ नहीं लिखेंगे। सो ए और एन कभी भी आपके प्लूरल नाउन के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हम बात कर चुके हैं, प्लूरल के साथ नहीं आता क्योंकि इनका मीनिंग ही, ये बहुत ही वीक वर्जन होते हैं ए और एन का। द पुलिस फाउंड नथिंग बट अ बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। डोंट राइट एनीथिंग राइट बट बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट, आर्टिकल नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट वी हैव इज द हर मदर गेव अस एन एडवाइस विच वी वुड नेवर फॉरगॉट। सो देखिए इसमें क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हर मदर गेव अस एन एडवाइस नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। अगर अनकाउंटेबल नाउन है सो वी कांट यूज आर्टिकल विद इट। सो आंसर विल बी हर मदर गेव अस अ पीस ऑफ एडवाइस लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं हर मदर गेव अस एडवाइस विच वी वुड नेवर, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए। तो ए और एन कभी भी आपके प्लूरल नाउन्स के साथ नहीं लगते, नहीं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगते हैं। अच्छा, मैनी है, राधा है, क्वाइट है, सच है, अगर इनके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, बीच में ए आता है। वैसे तो आपको पता होगा मैनी के साथ जनरली आपका प्लूरल नाउन आता है, प्लूरल वर्ब आता है, राइट। लेकिन अगर आपने लिख दिया मैनी ए या एन, तो यहाँ पे आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और यहाँ पे आपका सिंगुलर वर्ब ही आएगा, ठीक है। जैसे मैनी अ स्टूडेंट फील्स एकेडमिक प्रेशर इनटॉलरेबल, तो मैनी ए, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर आपको इसको मैनी के साथ ही लिखना, तो मैनी स्टूडेंट्स फील आएगा, दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर अलग है। रादर अ क्वाइट अ सच अ, जैसे शी मेड सच अ, सॉरी क्वाइट अ सीन इन द ऑफिस, यानी कि उसने ऑफिस में काफी हंगामा कर दिया, तो क्वाइट अ सीन आएगा, ठीक है। तो इनके पास सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वी हैव टू यूज आर्टिकल ए और एन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कि जो आपका द होता है वो कहाँ कहाँ यूज होता है। जनरली आपके कंट्रीज के साथ यूज करते हैं जहां पे उनका प्लूरल होता है, जैसे नेदरलैंड्स हो गया, मालदीव्स हो गया, फिलीपींस हो गया, उनके साथ द लगेगा। या फिर ऐसी कोई कंट्री जिसके नाम में आ जाता है, किंगडम, यूनियन, यूनाइटेड, राइट, यूनियन आ गया, यूनाइटेड आ गया, स्टेट्स आ गया, रिपब्लिक आ गया, इनके साथ हम द लिखते हैं। बाकी स्क्रिप्चर्स के साथ जैसे कुरान है, बाइबल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स है, रिनोम बुक्स है, एरोप्लेन है, कमिटी है, क्लब है, कम्युनिटी है, फाउंडेशन है, न्यूज़पेपर है, पॉलिटिकल पार्टी, शिप, ट्रस्ट, ट्रेन, बिल्डिंग, कैनल्स, रिवर, सीज, ओशन, डेजर्ट्स, बे, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, माउंटेन रेंजेस, इन सब के साथ, नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन्वेंशन, इन सब के साथ हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं द, राइट। डायरेक्शन के साथ, लोकेशन के साथ, ज्योग्राफिकल और फिजिकल लोकेशन के साथ भी हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल्स है, द प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे क्या आएगा, The United States, right? भगवत गीता is the most sacred book of the Hindus. So देखिए ये है हमारी community, right? याद रखिए community के साथ तो लगता है आपका the, right? लेकिन religion के साथ नहीं लगता है। You can't say the Hinduism, that will be wrong. लेकिन the Hindus होगा, the Muslims होगा, the Christians होगा, ठीक है। लेकिन Christianity, Islam, Sikhism इनके साथ the नहीं लगेगा। यहाँ पे the आएगा क्योंकि भगवत गीता scripture है। Neither Times of India nor Indian Express interests me. So, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये न्यूज पेपर के नाम है, इनके साथ द आएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, राइट। डायरेक्शन के साथ द आता है, लेकिन अगर आप लिखेंगे नॉर्दर्न ईस्ट या जो भी आपका, सॉरी नॉर्दर्न ईस्ट, सॉरी सदर्न ईस्ट, ओके सदर्न वेस्ट, इन सब के साथ हम नहीं लिखते, नॉर्मल सिंपल के साथ लिखते हैं द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, बाकी डायरेक्शन के साथ हम द नहीं लिखते हैं। द मेलोडियस साउंड ऑफ वायलिन इंटॉक्सिकेटेड अस मोर देन अल्कोहल। सो देखिए यहाँ पे क्या वायलिन है, वायलिन आपका जब भी प्ले के काम में आता है, अगर उसके वो बज रहा है वहां पे, अगर आपको समझ में आ रहा है उस केस में हम द लिखते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, जैसे आई गिफ्टेड हिम अ वायलिन लिखेंगे, राइट। लेकिन जहाँ पे आपको इसका साउंड या प्ले के तौर पे इसका मतलब समझ में आ रहा है, वहीं पे हम द यूज करेंगे। यहाँ पे आंसर है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैव टू यूज द विद ऑर्डिनल्स। ओके, ऑर्डिनल्स आपके क्या होते हैं, दो तरीके के नंबर्स होते हैं आपके, वन इज ऑर्डिनल, ऑर्डिनल इज फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, राइट, ऑल दीज आर ऑर्डिनल्स, एंड कार्डिनल इज 1, 2, 3, 4। तो ऑर्डिनल्स के साथ हम द लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था जब उनके बाद कोई नाउन नहीं होता है, जनरली हम उनके साथ कुछ नहीं लिखते हैं, राइट, द भी नहीं लिखते। जैसे आई केम फर्स्ट इन माई क्लास, दैट मेक्स इट एडवर्ब। अकॉर्डिंग टू द पुलिस इन्वेस्टिगेशन शी जंप्ड फ्रॉम द थर्ड फ्लोर, राइट।
अ पर्सन डजंट टेक एनी आर्टिकल व्हेन इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास. यस, जैसे द मैन एंड वुमेन आर क्रिएटेड वर क्रिएटेड इक्वली. सो अगर आप देखेंगे तो अगर कोई पर्सन है, मैन है वुमेन है, अगर वो पूरे यू नो स्पीसीज को यानी कि पूरी क्लास को अगर रिप्रेजेंट करता है, वी डोंट यूज एनी आर्टिकल. तो मैन एंड वुमेन वर क्रिएटेड इक्वली, यू कान मेक दम प्लूरल, यू कान यूज एनी आर्टिकल विद दम, सिंपली राइट मैन एंड वुमेन. ठीक है, इसका मतलब क्या है, दुनिया के सारे मर्द सारे हो. नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, अगर आपका कोई भी नाउन है अगर वो पूरी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है तब हम द यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अ टाइगर इज अ नेशनल एनिमल. सो बेसिकली टाइगर जो है यहाँ पे पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे नहीं कि एक ही टाइगर है जो इंडिया में है जो हमारा नेशनल एनिमल है. कोई भी टाइगर, चाहे वो सुंदरबन में है, चाहे वो आपका रणथंभौर में है, चाहे वो कान्हा में है, कहीं पर भी है, आप टाइगर के साथ जो जितने भी टाइगर सारे हमारे नेशनल एनिमल्स हैं, तो हम वहां पे द लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो टाइगर है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर. अच्छा, जब भी आपका कोई प्लूरल नाउन होता है तो विच रिप्रेजेंट इट्स होल क्लास. ओके, तो जैसे ये टाइगर है, अगर यहाँ पे टाइगर्स लिखा होता, टाइगर्स, द टाइगर्स आर, तो यहाँ पे द लिखना गलत था. तो अगर आप जैसे देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी अगर आप प्लूरल नाउन यूज करते हैं वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड. लेकिन अगर सिंगुलर कोई भी नाउन का पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है तब हम द लिखते हैं. ठीक है, जैसे द डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स, तो यहाँ पे द नहीं आएगा. सिंपली राइट डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स. नेक्स्ट है कि आपने काफी बार पढ़ा होगा कि कुछ एक आपकी ऐसी जगह होती है, कुछ बिल्डिंग्स होती है, कुछ प्लेसेस होती हैं जहां पे अगर आप प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं तो वहां पे हम कोई भी आर्टिकल बेसिकली द यूज नहीं करते हैं. जैसे बेड है, कॉलेज, चर्च है, हॉस्पिटल, मॉस्क, प्रिजन, स्कूल, टेम्पल, बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी. सी सी मतलब समझ में, जब आप एज अ सेलर जाते हैं, ऑफिस है, वर्क है, तब इनसे पहले आप कोई भी जनरली आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. ठीक है, जैसे शी माइट हैव गॉन टू द टेम्पल फॉर मंडे प्रेयर, तो द टेम्पल नहीं आएगा, शी माइट हैव गॉन टू टेम्पल. ठीक है, वी गो टू स्कूल लिखते हैं, वी नेवर से वी गो टू द स्कूल, राइट, बिकॉज वी गो देयर फॉर प्राइमरी पर्पस. इन दैट केस वी डोंट यूज एनी आर्टिकल लिखते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है द इज ओमिटेड बिफोर मील्स. ठीक है, द को हम मील से पहले हटा देते हैं. ठीक है, जैसे आपका इन अ हॉस्टल द ब्रेकफास्ट वाज ऑलवेज रेडी बाय 7 PM. नो, द ब्रेकफास्ट नहीं, सिंपल ब्रेकफास्ट. जनरल केसेस में वी डोंट यूज एनी आर्टिकल, बट यस, अगर आपने बोला आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट, वो सही है क्योंकि उससे पहले हमने आर्टिकल लिख दिया, हैवी, लाइट, लेट, इन सबसे पहले आप आर्टिकल लिख सकते हैं. लेकिन जनरल केस में अगर उनसे पहले कुछ नहीं लिखा है, जनरल टर्म्स में आप उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज करें. नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन है. ओके, नेम ऑफ रिलेटिव्स है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, डेज है, सीजंस है, फेस्टिवल है, उनके साथ हम कभी भी आर्टिकल द नहीं यूज करेंगे. अगर उनको आप जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल, द भी नहीं, कोई भी आर्टिकल, बेसिकली आर्टिकल इज ओमिटेड, नॉट द, ए और एंड भी यूज नहीं करेंगे. जैसे वी कैन हैव द पार्टी व्हेन द फादर इज आउट ऑफ टाउन, तो ए फादर भी लिखेंगे, द भी लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, जब पापा नहीं होंगे फादर नहीं होंगे, राइट. द इंजीनियरिंग इज अ 4-year कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 years नहीं आएगा, 4 year आएगा, राइट, 4-year कोर्स होगा आपका. और यहाँ पे क्या आएगा, द नहीं आएगा, इंजीनियरिंग आएगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशन से पहले वी डोंट यूज एनी आर्टिकल. यस, लेकिन अगर आप किसी पर्सन के लिए बोल रहे तब आएगा. जैसे आई एम अ टीचर, तो ए लिखेंगे, शी इज अ डॉक्टर, तो लिखेंगे. अगर प्रोफेशन किसी पर्सन को शो कर रहा है, इन दैट केस वी कैन यूज आर्टिकल, वी हैव टू यूज आर्टिकल, राइट, ही इज एन इंजीनियर. ओके, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो लिख सकते हैं 4-year कोर्स, एक कंपाउंड नाउन की तरह बन जाएगा. बाकी आप इसको लिख सकते हैं 4 years कोर्स, अपोस्ट्रॉफी के केस में भी लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे हमने किया टुडेज वर्क, वन डेज वर्क, वैसे. द हॉकी इज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया, तो द हॉकी नहीं होगा, सिंपल हॉकी. क्रिकेट इज माय फेवरेट, ऐसे लिखते हैं, द क्रिकेट कभी नहीं बोलते हैं. द कैंसर इज अ डेडली डिजीज, नहीं, डिजीज से पहले हम द नहीं लिखते हैं, प्लेग के पहले द लिख देते हैं हम. ओके, अदरवाइज आपका द किसी के सामने नहीं आता, या फिर जो प्लूरल में होता है, द रिकेट्स, द मम्स, द मीजल्स, इनके साथ द लग जाता है. अदरवाइज बाकी किसी भी, चाहे कोविड है, चाहे एड्स है, कोई भी बीमारी है, किसी के साथ भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते. अच्छा, नंबर प्लस नाउन से पहले हम द, सॉरी, नाउन प्लस नंबर से पहले हम द नहीं लिखते हैं. यानी कि होता क्या है, मैंने आपको बताया था कार्डिनल नंबर होता है, एक ऑर्डिनल नंबर होता है. ऑर्डिनल से पहले हम द लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. लेकिन जो कार्डिनल होता है उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लिखते हैं. अगर उससे पहले नाउन है तो बिल्कुल भी लिखेंगे, कुछ लिखेंगे. देखिए, द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज हैज बीन डिटेल इन चैप्टर 7. बस द चैप्टर 7 गलत हो जाएगा. ओके,
और अगर आपको इन दोनों का लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे फर्स्ट टू चैप्टर्स, ओके, एंड वी हैव टू राइट द फर्स्ट टू चैप्टर्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टू आएगा, पहले ऑर्डिनल लिखा जाता है, फिर सॉरी हाँ फिर कार्डिनल लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज एडजेक्टिव्स के साथ, ठीक है। सो होता क्या है कि अगर आप एडजेक्टिव के साथ द लिखते हैं तो वो आपका एक प्लूरल नाउन बन जाता है, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए वी मस्ट हेल्प पुअर्स, पुअर इज एन एडजेक्टिव, यू कांट मेक इट प्लूरल। प्लूरल सिर्फ सिर्फ आपका नाउन या प्रोनाउन होता है, जेंडर भी नाउन या प्रोनाउन का होता है, एडजेक्टिव का कोई जेंडर नहीं होता है, कोई आपका इसका पजेसिव केस नहीं होगा, कोई इसका आपका प्लूरल केस नहीं होगा, सिंगुलर केस नहीं होगा। एडजेक्टिव की होती है डिग्रीज, राइट, ओके, पॉजिटिव, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव। तो यहाँ पे पुअर्स नहीं आएगा, आंसर विल बी वी मस्ट हेल्प द पुअर, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा कुछ एक ऐसे वर्ड है जिनके साथ हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, जैसे लाइफ है, डेथ है, लव है, सोसाइटी है, पार्लियामेंट, हेल्थ, गॉड, हेवन। वी नेवर से गो टू द हेल्थ, वी ऑलवेज से गो टू हेल्थ, राइट। सो इन सब के साथ वी डोंट यूज एनी आर्टिकल इन जनरल केसेस। नेक्स्ट वी हैव इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा होता क्या है, अब हम यहाँ पे एडवर्ब की बात करेंगे कि इनकी प्लेसमेंट कैसे की जाती है। तो जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर जो होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर किसका रिप्लाई होता है, हाउ का। सो इस केस में ये जो होता है ये हमेशा वर्ब के बाद रखा जाता है, ओके। और अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां पे है तो उससे उसको उसके बाद लिखा जाएगा। जैसे देखिए शी साउंडली स्लेप्ट, ये गलत है। क्या होता है, इनको वर्ब के बाद लिखा जाता है, क्या आएगा, शी स्लेप्ट साउंडली। साउंडली आपका क्या है, एडवर्ब है। हाउ, हाउ का मीनिंग आ रहा है कैसे सोई, बहुत अच्छे से सोई। साउंडली का मतलब क्या है, बहुत अच्छे से सोना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका ऑब्जेक्ट होता, हम तो सॉरी आंसर पहले दिख गया, अगर यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट होता, देखिए द पेशेंट सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका क्या है, सॉरी ये एडवर्ब है, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है नहीं, कोई बात नहीं, और यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो इसमें भी क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द पेशेंट वेटेड पेशेंटली, ओके। जैसे शी क्लीन्ड द टेबल केयरफुली, तो हाउ का यहाँ पे आंसर क्या है आपका, केयरफुली है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये हमने कहाँ लिखा है, टेबल के बाद लिखा है। वैसे इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, शी केयरफुली क्लीन द टेबल, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। ये किस केस में करेक्ट नहीं होगा वो भी बता देते हैं। यहाँ पे लिखना किस केस में करेक्ट नहीं होगा, लास्ट में लिखा हुआ तो हर केस में करेक्ट है, लेकिन बीच में इस केस में लिख सकते हैं, लेकिन इसके बाद वाला जो केस है उसमें लिखेंगे। जैसे देखिए द मेड क्लीन द कॉफी टेबल, कॉफी स्टेन टेबल केयरफुली। तो क्या होता है, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये बहुत सारे वर्ड से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपका पहले आएगा, ओके, सॉरी वहां पे मैं थोड़ा फंबल कर गई, एक्सट्रीमली सॉरी। ये तो हर जगह मतलब यूजुअली ये आपका सही हो जाता है, ठीक है, ये कहाँ सही नहीं होगा, ये इस वाले में सही होगा, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। द मेड केयरफुली क्लीन द कॉफी स्टेन टेबल, तो केयरफुली जो आपका पहले आएगा, क्योंकि एक्चुअली इसको ना वर्ब को क्या करना है, एडवर्ब किसके लिए आया है, यहाँ पे वर्ब के लिए आया है ना। तो अगर आप इतने लंबे वर्ड के बाद इसको लिखेंगे तो थोड़ा सा इसका मीनिंग जो है वो थोड़ा सा गायब सा हो जाता है, इसलिए इसके साथ लिखा है। एमपीटी ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स होते हैं, और ये जो होते हैं आपके एमपीटी मतलब ऑर्डर ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके। तो आपके तीन एडवर्ब्स होते हैं, तो ये जो आपके एडवर्ब्स होते हैं, याद रखिएगा पहले मैनर लिखा जाएगा, फिर प्लेस लिखा जाएगा, और फिर आपका टाइम लिखा जाएगा, ठीक है, एमपीटी। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, द डायरेक्टर सेंक्शन द प्रपोजल ऑन फ्राइडे हैप्पीली एट हिज ऑफिस। ऑन फ्राइडे टाइम है, हैप्पीली क्या है आपका, मैनर है, और एट हिज ऑफिस क्या है, प्लेस है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एम को पहले लिखेंगे हैप्पीली, फिर क्या लिखेंगे, एट हिज ऑफिस, फिर क्या लिखेंगे, ऑन फ्राइडे, ओके। सो द डायरेक्टर सेंक्शन द प्रपोजल हैप्पीली एट हिज ऑफिस ऑन फ्राइडे, है। नेक्स्ट वी हैव इज जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, वो जनरली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखते हैं। जैसे ही कम्स लेट ऑलवेज, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ही ऑलवेज कम्स लेट, ओके। लेकिन अगर वहां पे एक और वर्ड है वर्ब में, तो एडवर्ब को हम कहाँ लिखेंगे, पहले वर्ड के बाद लिखेंगे, यानी कि अगर वहां पे हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये रहा, ही हैज बीन नेवर लेट,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही हैज नेवर बीन लेट. ओके, और अगर आपके बी की फॉर्म की अगर कोई वर्ब है, इज एम आर वॉज वर्ब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमेशा उसके बाद लिखते हैं, इसके बाद एडवर्ब लिखते हैं. जैसे ही इज ऑलवेज लेट, राइट? यू कैन से ही ऑलवेज इज लेट, ही इज लेट ऑलवेज, काइंड ऑफ वियर हो जाएगा. तो जब भी बी की फॉर्म आती है इज एम आर वॉज वर्ब, उनमें हम क्या लिखते हैं, इनके बाद लिखते हैं. ठीक है, अगर कोई भी वर्ब है, ओके, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया है, इज एम आर है, वॉज वर्ब है, तो अगर आपका जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा आपके वर्ब के बाद आता है. जैसे देखिए, सुमन नेवर वॉज फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, नहीं, सुमन वॉज नेवर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इज प्रपोजिशन इन और एट में क्या डिफरेंस. तो जो इन होता है आपका, बड़े टाउन्स, बड़ी सिटीज के लिए यूज किया जाता है, कंट्रीज के लिए यूज किया जाता है. जो एट होता है वो थोड़ा सा प्रिसाइज हो जाता है, तो वो जनरली हम स्मॉल टाउन्स और विलेजेस के लिए यूज करते हैं. जैसे आई लर्न स्पेनिश व्हेन आई वाज देयर एट स्पेन, नो, इन स्पेन, कंट्री के लिए इन. नेक्स्ट वी हैव इज इन और इनटू. तो जो इन होता है वो स्टेटिक होता है, जैसे देयर इज अ कैट इन द वेल, कुएं के अंदर बिल्ली है, वो मूव, मतलब उसका कुछ जंपिंग मोशन नहीं शो कर रहे हैं. और इनटू होता है आपका मोशन शो करता है, जैसे द कैट जंप इनटू द वेल, इनटू मतलब मोशन शो करता है, मूवमेंट शो करता है. जैसे देखिए, अविनाश मेड एन एक्रोबेटिक डाइव इन द पूल, तो यहाँ पे क्या डाइव है, कूद रहा है वो, तो इन नहीं आएगा, इनटू आएगा. ठीक है, बाय और विथ. अब जो विथ होता है आपका, वो जनरली आपका इसके साथ यूज किया जाता है, टूल्स के साथ यूज किया जाता है. जो बाय होता है पर्सन के लिए यूज किया जाता है, जैसे शी क्लीन द रूम बाय अ ब्रूम, तो बाय नहीं आएगा, थिंग के लिए हम विद लिखेंगे, लेकिन बाय जो होता है पर्सन के लिए यूज होता है. द रूम वॉज क्लीन बाय अ सर्वेंट. ओके, तो बाय पैसिव वॉइस देख लीजिए. तो जनरली जो आपका बाय होता है वो किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और जो विद होता है वो किसी टूल के लिए यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज किया जाता है. बिटवीन और अमंग में क्या डिफरेंस है? बिटवीन जो होता है आपका, दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, दो चीजों के लिए यूज किया जाता है. अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू. ओके, अ मिसअंडरस्टैंडिंग सरफेस बिटवीन थ्री पार्टीज, तो अमंग आएगा यहाँ पे. लेकिन होता क्या है, कई बार आपका बिटवीन हम यूज करेंगे, ना कि अमंग यूज करेंगे, जहां पे हम एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, और वहां पे कहीं ना कहीं हम रिलेशन पोजिशन की बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, हरियाणा लाइज बिटवीन राजस्थान, पंजाब, ओके, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड दिल्ली. तो अगर देखेंगे यहाँ पे बिटवीन लिखेंगे, बहुत सारे स्टेट्स आ गए हैं, बट बहुत सारे स्टेट्स और यूटीज आ गए हैं, लेकिन आप यहाँ पे बिटवीन लिखेंगे, अमंग नहीं लिखेंगे. ठीक है, जैसे स्विट्जरलैंड इज अमंग फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तो अमंग नहीं आएगा, बिटवीन आएगा. इट इज ऑल्सो लाइक देर इज अ मैच बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश. ओके, बिसाइड और बिसाइड्स, ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है. बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन, सॉरी नेक्स्ट टू, और बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन. ठीक है, इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब अलावा, बिसाइड मतलब बगल में. जैसे शी सेट नेक्स्ट टू मी, तो अ प्रिटी गर्ल सेट बिसाइड्स मी, नहीं आएगा बिसाइड, नहीं आएगा बिसाइड, नेक्स्ट टू मी, राइट? नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉम एंड सिंस. ओके, सो जो फ्रॉम और सिंस जो होता है आपका, सो देखिए, हमने फॉर और सिंस तो कर लिया है. फॉर और सिंस दोनों आपके किस में लगते हैं, परफेक्ट और परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगते हैं. लेकिन जो फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, उसमें हम सेंस नहीं लिख सकते हैं. क्योंकि जो सेंस होता है, याद रखिएगा, इसके बाद हमेशा आपका पास्ट टाइम आता है, 1988, ओके, चाइल्डहुड, दिवाली, लास्ट ईयर, तो इसके साथ हम लास्ट प्लस टाइम या फिर कोई भी पुराना टाइम लिखते हैं. अगर आप इस बात इसके बाद अगर आपको कोई सीन्स के बाद अगर आपको कोई सब्जेक्ट और वर्ब भी लिखना है, तो वर्ब भी आपका वी टू ही आएगा, याद रखिएगा. और इससे पहले हमेशा परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है. ठीक है, तो ये याद रखिएगा. लेकिन जो फ्रॉम होता, जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में हमारा टाइम किसके बारे में बात करें, हम फ्यूचर आने वाले टाइम के बारे में बात करें. अगर हम आने वाले टाइम के बारे में बात करें, तो सीन्स तो नहीं यूज कर सकते, क्योंकि सीन्स के साथ तो हमेशा ही पास्ट टाइम लिखते हैं. सो उसकी हमने क्या, उसका जो एक जो तोड़ है वो ये है कि उसकी जगह हम फ्रॉम यूज करते हैं. फ्रॉम का मतलब होता है, फ्रॉम हम वहां पे यूज करेंगे, हर टेंस में यूज कर सकते हैं फ्रॉम को, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को, सॉरी, प्रेजेंट और पास्ट के परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस को छोड़ के बाकी हर टेंस में यूज कर सकते हैं. फ्रॉम का मतलब, फ्रॉम हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें सिर्फ सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड नहीं पता है. ठीक है, जैसे
ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम ट्यूजडे, तो हैज बीन अ परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो यहाँ पे फ्रॉम तो नहीं आएगा, सिंस आएगा. दे विल हैव बीन पेंटिंग सिंस मॉर्निंग, फ्यूचर है, फ्यूचर में हम कभी भी सिंस नहीं यूज कर सकते, फ्रॉम आएगा. देखिए द मशीन स्टार्टेड वर्किंग सिंस सैटरडे, ये क्या है, वी टू है, वी टू में सिंस तो वैसे ही नहीं आता, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम आएगा. ओके, और फॉर भी हम किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, एनी टेंस, इनडेफिनेट कंटीन्यूअस. जैसे आई स्लेप्ट फॉर 8 आवर्स, मैं 8 घंटे सोई, तो फॉर 8 आवर्स, राइट, सो फॉर कैन बी यूज इन एनी टेंस. बट सिंस का ही कंफर्म होता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड पास परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है. नेक्स्ट देखते हैं ऑन, अबव और ओवर. सो देखिए ऑन जो होता है आपका, इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन हो गया आपका. अबव का मतलब क्या होता है, अबव होता है आपका देर इज नो कॉन्टेक्ट, लेकिन वो हमारे सर के ऊपर ही है, राइट. जैसे द फैन इज अबव माई हेड, ओके. और अगर ओवर देखते हैं तो ओवर जनरली हमारा यहाँ पे होता है ऊपर ही होता है, एंड इट मीन्स नो कॉन्टेक्ट, ठीक है, इट मीन्स नो कॉन्टेक्ट. जैसे द बॉय जंप ओवर द वॉल, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक तो ऊपर से जा रहा है ना, है तो ऊपर वाले ही मतलब, लेकिन कोई कॉन्टेक्ट नहीं और मोशन में है, ठीक है. अदरवाइज ओवर एज, अंडर एज जो होता है, ओवर और अंडर दोनों आपके एज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है. और जो अबव और जो बिलो होता है, ये आपके स्टैंडर्ड लिमिट्स के लिए यूज किया जाता है, ओके. जैसे अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो स्टैंडर्ड आपकी जो लिमिट होती है, जैसे बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. तो एज के लिए हम यूज करते हैं ओवर एंड अंडर, और अबव और बिलो यूज करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स के लिए. जैसे द कीज आर केप्ट ओवर द टेबल, नो, ऑन द टेबल, देयर इज अ कॉन्टेक्ट. अच्छा, अबव एंड ओवर ये मैंने अभी आपको बता दिया है कि दोनों में मेजरली डिफरेंस, मेजर डिफरेंस क्या है, वही वो स्टैंडर्ड लिमिट के लिए यूज किया जाता है अबव, और अंडर यूज जो ओवर होता है आपका एज के लिए यूज किया जाता है. अदरवाइज ये दोनों कई बार इंटरचेंजेबली भी यूज हो सकते हैं. जैसे देखिए द डॉग कैरीड द फिश एंड वेंट अंडर द बेड, ठीक है, यहाँ पे अंडर लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी, ठीक है, अंडर और बिलो वाला केस हो गया है आपका, ठीक है, वेंट अंडर द बेड और बिलो द बेड, ये वाला हो गया है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द डॉग कैरी द फिश एंड वेंट अबव द अलमीरा, राइट, ये भी लिख सकते हैं आप, या कबर्ड लिख सकते हैं. हैंग द कीज बिलो द लाइट, ओके, तो ये सारा अंडर एंड बिलो वाला केस हो गया, जो सॉरी. नेक्स्ट देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है आपका लिटिल और फ्यू. तो याद रखिएगा लिटिल के साथ भी ऑलवेज यूज अनकाउंटेबल नाउन, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, और आपका फ्यू जो होता है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लिखते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, और इसके साथ प्लूरल वर्ब ही लिखेंगे हमेशा. अब देखिए लिटिल और फ्यू दोनों का मीनिंग सेम ही होता है कम, ओके, थोड़ा, लेकिन जो लिटिल होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, और फ्यू आपका काउंटेबल, अदरवाइज मीनिंग सेम है. अब क्या होता है, इनको कई बार तो बिना आर्टिकल के लिखते, कई बार आर्टिकल ए के साथ लिखते, कई बार आर्टिकल के साथ लिखते, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनका मीनिंग क्या है. तो लिटिल और फ्यू जो होता है आपका विदाउट आर्टिकल, दे मीन्स नो, सिंपल आप उनको नो से रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए. अ लिटिल अ फ्यू को सिंपली आप सम से रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए. ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं. द लिटिल और द फ्यू को आप कहीं ना कहीं ऑल से रिप्लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये आपका क्या है, एडियम है. ओके, तो यहाँ पे जो लिटिल है ये आपका नो नॉलेज, तो देखिए नो नॉलेज की तो कोई बात ही नहीं है. अगर मुझे अभी से एयरक्राफ्ट नहीं चलाना आता है, मैं उसको छेड़ूंगी नहीं, तो कोई इश्यू नहीं है. लेकिन अगर मुझे थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, कहीं ना कहीं मैं पंगे करूंगी, तो अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी कि सम नॉलेज, कम नॉलेज इज अ नेम, या तो पूरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. फ्यू प्लांट्स दैट आर फाउंड इन द डेजर्ट आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स, तो देखिए यहाँ पे क्या है, डेजर्ट में प्लांट्स तो मिलते ही मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं. जहाँ पे भी आप डेट देख लेना, डेट वहाँ पे याद रखिएगा. अब ऐसा तो नहीं कि एक ही प्लांट को बोलेंगे या दो ही प्लांट को बोलेंगे ज़ेरोफाइट्स, सभी प्लांट्स को बोलते हैं, तो ऑल आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको ऑल से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑल प्लांट्स दैट आर फाउंड इन डेजर्ट आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स, राइट. तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, द फ्यू, कम है लेकिन जितने हैं उतने. तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप डाइट देख ले, वहां तो वैसे भी द लगाना ही लगाना. आई एम न्यू इन द टाउन सो आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मैं नया हूँ टाउन में, तो क्या आपके फ्रेंड्स होंगे, नहीं होंगे, तो आई हैव नो फ्रेंड्स आना चाहिए, सम नहीं आएगा, नो आएगा. ओके, तो यहाँ पे ये, इससे अगर आप याद करेंगे थोड़ा है, थोड़े जितना है, उससे बहुत कंफ्यूज होंगे. सीधा आप उसको सम, नो, ऑल से रिप्लेस कर दें, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब आपको बिल्कुल सही मीनिंग मिल जाएगा.
सो सॉरी, यहाँ पे आपको पहले आंसर दिख गया क्वेश्चन से। एनीवेज, देखिए, अगो और बिफोर ये दो ऐसे शब्द हैं जो लोगों को लगते हैं सेम है, लेकिन देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। ओके, अगो का, अगो के साथ ऑलवेज रिमेम्बर ये वी टू लेता है, और बिफोर आपका जो होता है ये आपका हैड प्लस वी थ्री लेता है, बस परफेक्ट टेंस के साथ आता है। द टीम अराइव बिफोर 3 days बिफोर, वी टू है, बिफोर नहीं आएगा, अगो आएगा। नेक्स्ट वी हैव इज आई हैव नेवर मेट एनीबॉडी एनीवन फ्रॉम कैलिफोर्निया बिफोर आई मेट जिम। तो बिफोर एंड आफ्टर का थोड़ा सा केस बता देती हूँ। बिफोर के बाद अगर आपका सब्जेक्ट है तो इसके बाद तो वी टू आएगा, लेकिन इससे पहले क्या आएगा, जैसे अगो से पहले वी टू आया था तो बिफोर से पहले आपका हैड प्लस वी थ्री आता है। आफ्टर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, बिकॉज दोनों ऑपोजिट होते हैं, तो इसमें रूल में भी ऑपोजिट हो जाएगा। तो अगर इसके बाद सब्जेक्ट लिखा है तो हैड प्लस वी थ्री आएगा, और इससे पहले हमेशा वी टू आएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, आई नेवर मेट एनी वन फ्रॉम कैलिफोर्निया बिफोर आई मेट जिम। तो बिफोर के बाद तो आपका वी टू आएगा, लेकिन इससे पहले क्या आएगा, हैड मेट, राइट? आई हैव नेवर मेट, आई हैड नेवर मेट। नेक्स्ट वी हैव इज अमंग एंड अमंगस्ट। तो ये दोनों का मीनिंग सेम है एक्चुअली, ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, आपका जो अमंगस्ट होता है वो वॉवल साउंड से जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ लिखा जाता है। जैसे ओके, ऑन द सब्जेक्ट ग्रीड देर वॉज अ डिफरेंस इन ओपिनियन अमंग ऑनेस्ट पीपल, सो अमंग नहीं आएगा, अमंगस्ट आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट इज वॉवल साउंड। नेक्स्ट वी हैव इज द मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्लेयर्स, तो अमंगस्ट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे द है, द इज कॉन्सोनेंट, अमंग द प्लेयर्स। ओके, तो बस यही बेसिक डिफरेंस है, ज्यादा कोई इनमें इशू है नहीं, दोनों इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। ऑन और अपॉन, तो ऑन जो होता है आपका रेस्ट वाला केस होता है, जो कॉन्टेक्ट में होता है, और अपॉन मतलब मोशन, जैसे द कैट जंप ऑन द टेबल अपॉन द टेबल, राइट? वेरी इजी, क्योंकि मोशन है, जंपिंग हो रही है। एग्री टू और एग्री विथ, सो एग्री के साथ हम टू तब यूज करते हैं जब हम किसी प्रपोजल के बारे में बात करते हैं, या फिर हम किसी ऑफर के बारे में बात करते हैं, और जो विथ होता है वो हम पर्सन के लिए यूज करते हैं। एग्री ऑन भी होता है, अबाउट भी होता है। ये एग्री ऑन जो होता है जनरली आपका आपका आइडिया के साथ यूज हो सकता है, ओपिनियन के साथ हो सकता है, सेम गोज विथ अबाउट, राइट? तो ये तीनों के तीनों प्रपोजिशन एग्री के साथ लगते हैं। डीन डजंट एग्री विद द स्टूडेंट्स प्रपोजल, स्टूडेंट नहीं है, प्रपोजल है, थिंक के लिए हम क्या आएगा, ऑन आएगा, आई एम सो सॉरी, टू आएगा, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑन तो हम आइडिया और ओपिनियन के साथ लिखते हैं, ठीक है, टू आएगा। अच्छा, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम, सो देखिए जनरली मेड के फॉर्म में आता है, मेक के फॉर्म में तो वैसे भी नहीं आता, मेड के फॉर्म में आता है। तो अगर आप मेड ऑफ लिख रहे हैं तो मेड ऑफ में जनरली क्या होता है आपका, वहां पे सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे लकड़ी से काट के आपने टेबल बना दिया, कोई केमिकल चेंज नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज आया, वहां पे मेड ऑफ लिखेंगे, जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। और जो फ्रॉम होता है वहां पे केमिकल चेंजेस आते हैं, ओके, जैसे बुक्स आर मेड फ्रॉम पेपर्स, तो यस, पेपर को हमने क्या किया, प्रॉपर एक साइज में काट दिया, उससे उस पे लेटर्स प्रिंट कर दी और आपकी बुक बन गई। तो यहाँ पे मेड ऑफ आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक देखें तो प्लास्टिक आपको ऑयल से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हुए नजर आते हैं, है ना? सो यहाँ पे क्या पूरा केमिकल चेंज आया, तो आंसर विल बी फ्रॉम। नेक्स्ट वी हैव इज आर्टिकल्स जो होते हैं आपके, जनरली जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर आप कोई वर्ड यूज कर रहे हो, बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वी, सो आपका वहां पर द नहीं लगता है, राइट? जैसे ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे लिखेंगे बाय प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? जैसे वी शैल गो सून इफ वी गो बाय द कार, ट्रांसपोर्टेशन वाला है ना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो अगर बाय लग रहा है तो वी डोंट यूज एनी आर्टिकल। अच्छा, अंटिल और अनलेस में बहुत सारों को बहुत ज्यादा इशू होता है, और ये एग्जाम में काफी बार आया भी है आपका।
सो अनटिल जो होता है वो टाइम होता है, अनलेस जो होता है कंडीशन होता है. याद रखिएगा, अनलेस आपका एक्टिविटी या एक्शन के लिए यूज किया जाता है, और आपका जो समय होता है, अनटिल जो होता है वो ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है. देखिए, जो आपके कंट्रोल में वो अनलेस है, जो आपके कंट्रोल में नहीं वो अनटिल है. ठीक है, जैसे पीपल वॉन्ट, द प्यून वॉन्ट लीव ऑफिस अनलेस इट इज 8 PM. 8 PM क्या उसके हाथ में है कि वो 8 बजा देगा? नहीं, ड्यूरेशन है, राइट? टाइम के लिए वी यूज अनटिल. नेक्स्ट वी हैव इज यू वॉन्ट सक्सीड अनटिल यू वर्क हार्ड. वर्क मीन्स एक्शन, एक्टिविटी, अनलेस. ओके, आई होप यू गॉट टू नो दिस, वेरी इजी, यू अंडरस्टूड दिस, राइट? नेक्स्ट है, देखिए कुछ एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद जनरली लिखा, जैसे अवॉइड है, डिसलाइक है, एंजॉय है, माइंड है, प्रिवेंट है, लव है, इन सब के साथ. अच्छा, स्टार्ट आपके एग्जाम में आया होगा, स्टार्ट है, एंड है, कीप है, बिगिन है, इन सब के साथ आपका चैरिंग लगता है. ठीक है, सो 2 + V1 नहीं लगता. जैसे डू यू माइंड टू पास, माइंड के साथ आई जी. डू यू माइंड पासिंग द सॉल्ट प्लीज? ओके, कुछ एक आपके ऐसे फ्रेजेस हैं जिसके एंड में टू तो आता है पर V1 नहीं आता है. जैसे अकस्टम टू, लुक फॉरवर्ड टू, कंड्यूसिव टू, अपोजिट, अपोज टू, विद अ व्यू टू, डिवोटेड टू, कमिटेड टू, बी यूज टू, हैबिचुएटेड टू, या फिर कुछ और फ्रेजेस है जैसे इन नो यूज, इज वर्थ, नो गुड, यूज टू. अच्छा, यूज टू आपका फिर से रिपीट हो गया है. टायर्ड ऑफ, टायर्ड विद, इन सब के साथ आपका जर्नी लगता है. हमेशा याद रखिएगा, जहां पे भी प्रेपोजिशन आ जाता है उसके बाद V1 + ING आता है. फॉर है, विद है, बाय है, उनके बाद ING ही फॉर्म आएगा आपका, 2 + V1 नहीं आएगा. सो इट इज ऑफ नो यूज टॉकिंग. ठीक है, वर्थ वाला जो आपका केस होता है, वर्थ, इसके बाद V1 + ING आता है. ठीक है, और आपका नाउन पहले आता है, जैसे मॉन्यूमेंट वर्थ, जैसे मूवी वर्थ वॉचिंग, इट इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग. आप ऐसे लिख सकते हैं वर्थ वॉचिंग मूवी, दैट विल बी रॉन्ग. होता ही एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम करता है, पर नाउन इससे पहले आता है तो थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है ये. तो वर्थ वाला मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ पे जो वर्थ है ये थोड़ा सा ये वाला है. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सर्टेन वर्ड्स लाइक डिस्कस, ऑर्डर, स्ट्रेस, एक्सप्लेन, डिमांड, इनके बाद कभी भी हम प्रेपोजिशन नहीं यूज करते, बिकॉज ये सारे के सारे आपके ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, राइट? ये सारे के सारे आपके क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब्स. ट्रांसिटिव वर्ब्स के बाद वी नेवर यूज एनी प्रेपोजिशन, डायरेक्टली यूज आवर ऑब्जेक्ट. जैसे नो वन वॉज अलाउड टू एंटर एज अ टीम वॉज डिस्कशिंग ऑन, डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट. ओके, वी ऑर्डर टू कप्स ऑफ टी. She explained everything. You can't say she explained about everything. That will be wrong. अच्छा, date of birth के साथ we use was or were, right? We can't use am. जैसे I was born in 1975. You can't write I am born. That will be wrong. इसे past है वैसे भी. Okay, so Shakespeare was born in 1564. Very easy. Next we have is okay. कुछ एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद 2 + V1 लगता है, जैसे एग्री, अरेंज, अटेम्प्ट, सीज, कंसेंट, डिसाइड, डिटरमिन, एंडेवर, फॉरगेट, हेजिटेट, लर्न, मैनेज, प्रॉमिस, प्रपोज, रिफ्यूज, रिमेंबर, सीम, अंडरटेक, इन सब के साथ वी यूज 2 + V1. ठीक है, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, 2 + V1 यूज करते हैं. द थीफ डिसाइडेड हाइडिंग द स्टोलन वैल्यूएबल्स नियर अ लेक, डिसाइडेड टू हाइड. ठीक है, अच्छा, कुछ एक ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद हम बेयर इन्फिनिटिव लिखते हैं, यानी कि V1 सीधा. जैसे बिड है, डेयर है, हियर है, लेट है, मेक है, नीड है, सी है, वॉच है, इनके साथ जनरली हम क्या लिखते हैं, V1 लिखते हैं. द सीएम हर्ड द पीपल्स ग्रीवांसेस. ओके, कुछ एक ऐसे वर्ब्स हैं जो कि जनरली आपके मॉडल्स की तरह काम करते हैं. जैसे ये मॉडल्स होते हैं आपके, वुड रादर, वुड सूनर, हैड रादर, हैड, वुड वुड रादर, यहाँ पे आपका ओके, वुड रादर, वुड सूनर, हैड बेटर, हैड रादर. ओके, सो इन सब के साथ आपका रादर, बेटर, यहाँ पे आपका वुड बेटर भी है. देखिए, वुड रादर, वुड बेटर, हैड बेटर, हैड रादर, ये सारे के सारे आपके मॉडल्स हैं. बाकी सूनर देन, रादर देन, वुड सूनर, इन सब के साथ भी आपका बेयर इन्फिनिटिव लगता है, यानी कि V1 लगता है. जैसे मॉडल्स के साथ आपको पता है हमेशा V1 ही लगता है, सेम गोज विद देम. सो आई वुड थ्रो इट अवे रादर देन गिव यू, 2 भी नहीं आएगा. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सच एज और सच दैट. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इसमें
कंफ्यूजन होती है। तो देखिए, सच एस का मतलब होता है लाइक। फॉर एग्जाम्पल, और आपका सच डैट का मतलब होता है इतना कि, इट शोज डिग्री, इसका मतलब होता है इतना कि, और आपका सच एस का मतलब होता है जैसा कि। बस ये कर लीजिए, आपका इजीली हो जाएगा। द बुक इज सच दैट आई कुड रीड इट, सो द बुक इज लाइक, राइट? लाइक वाला केस आ रहा है, तो यहाँ पे सच दैट नहीं आएगा, इतना कि नहीं है। बुक ऐसी थी कि मैं उसको पढ़ सकती, जैसा ऐसा दोनों आ सकता है आपका। तो सच एज आई कुड रीड इट, ओके? जैसे दे आर सच वाइज पीपल दैट everybody respect them, so if you see here such that, itne samajhdar log hai, itne wisdom wale log hai ki har koi unki respect karta hai, theek hai? So such that hua itna ki. Next we have is the noun or pronoun determining a gerund must be possessive case, theek hai? So yahan pe dekhiye, is it worth to spend so much money, so much on a holiday trip? So, देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका जो वर्थ है, यहाँ पे आपका स्पेंडिंग आएगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्थ के बाद आई एनजी फॉर्म लगता है, ठीक है? दूसरा आपको बता देती हूँ, आई डोंट लाइक हिज गोइंग आउट आएगा, ओके? सो अगर आप देखेंगे हिज गोइंग आउट आएगा, हिम गोइंग आउट विल बी रॉन्ग। क्या होता है, जेरेंड के साथ वी यूज पोजेसिव केस, ठीक है? हम कौन सा केस यूज करते हैं, वी यूज पोजेसिव केस विद जेरेंड, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये शायद यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो गलत है। नेक्स्ट वी हैव इज अ पार्टिसिपल कैनॉट बी यूज विदाउट इट्स नाउन ऑफ प्रोनाउन। Yes. ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। While working, the hammer fell down. Okay? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हैमर काम नहीं कर रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या है, एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट देना होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, While he was working, the hammer fell down. ठीक है? जब वो काम कर रहा था तब हथौड़ा गिर गया, क्योंकि हथौड़ा काम नहीं करेगा, है ना? सो आपका क्या होता है, जो ये आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये कभी भी आपका बिना सब्जेक्ट के, प्रॉपर सब्जेक्ट के नहीं आएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, प्रेजेंट इमेजिनरी केस, यहाँ पे अब हमारे इमेजिनरी केसेस आ चुके हैं, तो वो आपके पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं। पास्ट इमेजिनरी केसेस हमारे पास्ट परफेक्ट में लिखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश यू स्पीक द ट्रूथ। मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ, इफ के साथ अगर आप लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, तो यहाँ पे आएगा फ्यूचर टेंस। इफ के साथ अगर आप लिखते हैं वी टू या वर, तो यहाँ पे आएगा वुड हैव, सॉरी वुड प्लस वी वन, वुड कुड माइट कुछ भी आ सकता है। इफ के साथ अगर आप लिखते हैं हैड प्लस वी थ्री, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, वुड हैव प्लस वी थ्री, ठीक है? तो ये तीन केसेस होते हैं मेनली आपके। तो देखिए, आई विश ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। तो आपका अगर प्रेजेंट टेंस है, ये आपका प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे आपका देखिए, अगर ये है आपका प्रेजेंट इमेजिनरी केस, ये है आपका प्रेजेंट कंडीशनल, ये कोई इमेजिनरी केस नहीं है, ये है आपका पास्ट का इमेजिनरी केस। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, दिस इज कंडीशनल, मेहनत करो पास हो जाओगे। लेकिन इफ यू स्पोक द ट्रूथ, काश तुम सच बोलते, तो ये क्या है, इमेजिनरी केस है, ठीक है? कंडीशनल नहीं है, इमेजिनरी केस है। यहाँ पे आई विश यू स्पोक द ट्रूथ, प्रेजेंट का इमेजिनरी केस इज रिटन विद वी टू और फॉर, और अगर आगे कुछ लिखना होता तो यहाँ पे हम वुड प्लस वी वन लिखते हैं। इफ हनी टेस्ट बिटर, हनी टेस्ट बिटर करती है, नहीं करती है, नहीं करती ना, इट्स स्वीट, तो यहाँ पे क्या है, ये इमेजिनरी केस है। तो आंसर क्या आएगा, टेस्टेड, प्रेजेंट का इमेजिनरी केस है। इट वैल्यू वुड फॉल, देखिए वुड प्लस वी वन हो गया है। इफ आई वर रिच इन चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मतलब पास्ट है, पास्ट, तो वर रिच नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वुड हैव लिव, यहाँ पे वुड हैव प्लस वी थ्री, ओके? ये है आपके यहाँ पे इनके आंसर्स।
एक और इसका और एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे कि इफ यू वर्क हार्ड यू वुड सक्सीड, यू विल सक्सीड। ये कोई इमेजिनरी केस नहीं है, ये सिंपल आपका प्रेजेंट टेंस का कंडीशनल है, नथिंग एल्स। ओके, कंडीशनल है। इमेजिनरी केस अलग होते हैं, कंडीशनल होते हैं। कंडीशन का मतलब होता है ये पूरी करो हो जाए। इमेजिनरी इज लाइक आप जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं। अच्छा, पैरेललिज्म आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। पैरेललिज्म का मतलब क्या है, जैसे देखिए क्या है, साइकिलिंग स्विमिंग टू डांस, ये आईएनजी फॉर्म टू प्लस वी वन कैसे आ गया, ये गलत है। जनरली पैरेललिज्म हम एंड में और में कॉमा में देखते हैं, ठीक है। तो कॉमा है एंड है तो तीनों का सेम होना चाहिए। तो साइकिलिंग स्विमिंग एंड डांसिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इज माई सिस्टर हॉबी, राइट। अगर यहाँ पे होता है टू साइकिल स्विम एंड डांस दैट वुड हैव बीन बेटर। टू प्लस वी वन लिखा जाता है और एंड टू प्लस वी वन अगर आपको लिखना है तो टू इसको हटा देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वी वन लिखते हैं। पर ऐसे से कई बार इसमें थोड़ा सा फंबल कर जाता है, वो कहता है मैं तो दोनों बार टू टू लिखूंगा, तो इसलिए ये वाला मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि कई बार वो इसको मान लेता है कई बार नहीं मानता है। डोंट यूज अ प्रेजेंट टेंस इफ इट इज टाइम व्हेन सब्जेक्ट इज डायरेक्टली फॉलोड बाय इट, ये हम कर चुके हैं, देखिए ये रिपीट हो गया है। इट इज टाइम यू शुड गो होम, तो यहाँ पे शुड नहीं आएगा, यू वेंट होम आएगा। इट इज टाइम फॉर अस टू इन्वाइट बिल एंड सोनिया, ये आपका सही है क्योंकि यहाँ पे आपका डायरेक्टली सब्जेक्ट नहीं आया है, ये हम कर चुके हैं, राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका कहाँ कहाँ यूज होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सन राइज इन द ईस्ट, हनी टेस्ट स्वीट, राइट, ऑल दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ। इडियम्स है, फैक्ट्स है, ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं जनरली। और आपकी हैबिट्स भी, हैबिट्स है, रूटीन है, इन सबको भी हम इनडेफिनेट टेंस में लिखते हैं। अगर पास्ट की है तो पास्ट इनडेफिनेट, अगर प्रेजेंट की है तो प्रेजेंट इनडेफिनेट, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ जो है आपका, इडियम है, फैक्ट, ये हमेशा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में ही लिखे जाएंगे। और कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जैसे डेली है, एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ये सारे के सारे आपके डिटरमिन करते हैं कि ये हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट है, ठीक है। जैसे द सन रोज इन द ईस्ट, ईस्ट में तो राइज करता है, फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइज आएगा, लेकिन आप ये लिख सकते हैं द सन रोज एट 6:15 यस्टरडे, वो सही, टुडे भी लिख सकते हैं, टुडे के लिए भी आ सकता है क्योंकि ये हम पास्ट टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, ये समय बीत चुका है। तो अगर आप देखें ये सही है, क्यों, रोज टाइम बदलता है लेकिन ईस्ट वाला डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो राइजेस आएगा। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट आपका, ही हैज सेल्डम कम हियर, नहीं, हैज नहीं आएगा, सेल्डम इज लाइक नेवर, ऑलमोस्ट नेवर, यहाँ पे क्या आएगा, ही सेल्डम कम्स हियर, ठीक है, इनडेफिनेट केस है, दैट्स इट। सो यहाँ पे एंड होते हैं हमारे हमारा ये सेशन। तो आई होप आपको ये गोल्डन रूल्स है वो काफी अच्छे लगे होंगे, इससे आपका जो एक मोटा मोटा जो इंग्लिश की तैयारी आपको जो करनी है वो आपकी इजीली हो जाएगी। तो इस सेशंस जो भी हमने इसमें रूल पढ़े हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इससे गो थ्रू आप बार बार होते रहिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, डू फॉलो मी ऑन इंग्लिश विद पूजा, यहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, बहुत सारी आपको क्विजेस भी मिलेंगी और बहुत सारा आपको वेरियस एग्जाम्स के जो नोटिफिकेशन है सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे डाउट ग्रुप है, सो यस यू कैन आस्क योर डाउट्स हियर, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड यस ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन आर टेलीग्राम चैनल, दैट इज ऑलिव बोर्ड का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप सीधा लिखेंगे ऑलिव बोर्ड ऑफिशियल, आपको ऑलिव बोर्ड ऑफिशियल का टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको भी हमें फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द सेशन, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।